हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? फाइन सर, हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं सर, डॉक्टर अभिलाष नायक सर। और सर सर को मैं बताना चाहती हूँ, रिसोर्स पर्सन हमारे सुफियान अहमद सर आ गए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बात जरूर कर लें। सर को प्रणाम, थैंक यू। हाँ सर, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन सर। थैंक यू सर। तो अभी आप सबने, मेरे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे दोनों मुख्य अतिथियों को देखा, डॉक्टर अभिलाष नायक सर और आपके रिसोर्स पर्सन जो आज के सबसे मुख्य भूमिका में हैं, जिनके लिए हम सब बैठे थे, वो भी आ गए हैं। तो आप सबकी तरफ से भी मैं सर का बहुत स्वागत करती हूँ, और हमारे इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना की तरफ से आपका बहुत वेलकम है सर। सर मैं जी सर, ये छोटा सा प्रोग्राम है, वर्चुअल मोड में है, हम लोग फेस टू फेस होते हैं, तो शायद बहुत सारे कार्यक्रम हमारे होते हैं इनॉग्रल सेशन में, पर किसी भी कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत बजता है, जिस गीत को सुनने के बाद हम सब अपने इसमें एनर्जी में आ जाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कहाँ अवस्थित है। तो हम सारे बच्चों के साथ, आपके साथ, अपने रीजनल डायरेक्टर के साथ अपने कुल गीत का आनंद लेंगे सर। विनोद जी, सबको अभी इतना अच्छा वीडियो दिखाया, और हम सब एक साथ मिल के अपने विश्वविद्यालय की गतिविधियों को और अपने विश्वविद्यालय का जो इतना लंबा चौड़ा कैंपस है उन सबको अपने विद्यार्थियों के साथ देख पाए हम लोग। और हमारे विद्यार्थी शायद क्षेत्रीय केंद्र तक तो आ पाते हैं पर दिल्ली मुख्यालय नहीं जा पाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा था कि हम सबने गीत का आनंद लेते हुए अपने सारे उस डिवीजन को देखा और सारी एक्टिविटीज को देखा, जो खास तौर से हमारी यूनिवर्सिटी की एक विशेषता रही है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। और सब इसके साथ ही मुझे लगता है कि हम जब भी कोई एक अच्छी शुरुआत करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो कोई प्रेयर जरूर करते हैं।
तो इनॉग्रल सेशन का एक पहला पार्ट हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने सरस्वती माता का वंदना जरूर करें और उसके साथ ही जो हमारे इसमें स्फूर्ति आती है या जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसके साथ ही हम इस वर्कशॉप को शुरू करेंगे ताकि हम अंत तक किसी तरीके से ऊर्जावान बने रहे। तो विनोद जी एक बार हमारे साथ ये शेयर करें आप सरस्वती वंदना। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः तेनैः सदा वन्दिता कामाम्बातु सरस्वती भगवती निःशेषधारापः। शूलां ब्रह्मचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा चाड्याञ्चकारापः। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदा। थैंक यू सो मच। विनोद जी का ये टेक्निकल सपोर्ट हम सबको बहुत पसंद आया और मुझे लगता है कि हम सबको जरूर सरस्वती माता को वंदना करने के बाद एक अच्छी शक्ति मन में आई होगी और इसके साथ ही हम अपने क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक सर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को हमारे गेस्ट का वेलकम करें। सर आरडी सर प्लीज। थैंक यू डॉक्टर शालिनी। पहले तो जैसे कि डॉक्टर शालिनी बोल चुके हैं सबको मेरा अनुरोध रहेगा कि काइंडली अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रखिए बिकॉज व्हेनेवर एनी नॉइज कम्स फ्रॉम द ऑडियंस इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पर्सन हु स्पीक्स। मैं हूँ या प्रोफेसर सुफियान अहमद कोई भी बोलने के टाइम पे कोई आवाज आए तो अच्छा नहीं लगता किसी को, तो इसीलिए सबको मेरा अनुरोध है कि अपना माइक्रोफोन को सब म्यूट करके रखिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर शालिनी और उनके टीम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि मुझे जितना पता है कि इस रीजनल सेंटर की हिस्ट्री में पहली बार ये हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ वर्कशॉप ऑन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल एंड रिपोर्ट राइटिंग, तो इसीलिए डॉक्टर शालिनी को और प्रोफेसर सुफियान अहमद साहब को दोनों को मैं धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि दे हैव एग्रीड टू कम फॉरवर्ड फॉर सच ए नोबल कॉज। क्योंकि मैंने भी सुना है बहुत सारे बच्चे बीच बीच में फोन करते हैं बोलते हैं कि सर इसको क्या करें कैसे करें सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रपोजल कैसे बनाए सर रिसर्च मेथोलॉजी क्या होना चाहिए सर ये सारी चीजें बच्चे पूछते रहते हैं। तो वर्कशॉप से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर शालिनी से सुबह जब बात किया हम तो उसमें हम वही बोले उनको कि जो हमारा अभी जो भी एक्टिविटीज चलेगा यहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविटीज वर्कशॉप के माध्यम से ये सारे एक्टिविटीज को हम वेबसाइट में भी अपलोड करके रखेंगे सो दैट कि दूसरे रीजनल सेंटर के लोगों को भी ये फायदा होगा। तो पहले तो मैं सबको स्वागत करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप लोगों को परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज आजकल के दिन में बिहार गवर्नमेंट इज गिविंग ए लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरियंस। आपने सुना होगा बहुत सारे लाइब्रेरियंस के अपॉइंटमेंट होने जा रहे हैं तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना जो डिग्री है जिसमें भी आप एडमिशन लिए हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करिए सिंसियरिटी के साथ करिए। मैं सबको वही कहता हूँ कि जो भी आप लोग करिए तो उसको ध्यान से करिए, पढ़ाई हो या बिजनेस हो या खेती हो या कुछ भी हो व्हाट एवर थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ डू देम विद 100% कमिटमेंट सो दैट यू डोंट हैव एनी स्कोप फॉर रिग्रेट। मैंने देखा है बच्चे जो आते हैं मैंने एडमिशन ले तो लेते हैं
डिस्टेंस एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट का भी बहुत ज्यादा है, मैंने हाई रेट बहुत हाई है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि उनको ये लगता है कि थोड़ा सा मैंने ऐसे बैठेंगे एग्जाम में बैठ जाएंगे, कोई हमें मदद कर लेगा और हम रिपोर्ट बना के दे देंगे, इससे हमारा डिग्री खत्म नहीं हो जाएगा। बट दैट्स नॉट द थिंग। आप लोगों को शुरू से थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ करेंगे, और जैसे कि डॉक्टर शालिनी हैज स्टार्टेड वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव, यहाँ से शुरू हुआ, आप जस्ट इमेजिन कर सकते कि मेरे स्टाफ आपको सपोर्ट देने के लिए कितना कमिटेड है। हर लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक चीज ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और दूसरी बात डिसिप्लिन रखना होगा। मैं देख रहा था जब कुलगीत बज रहा है तो लोग हाथ में हैंड रेज कर रहे हैं, कुलगीत बजने के टाइम पे आप हैंड रेज करने, इतना क्या इमरजेंसी है आपको, गलती से लग गया तो अलग बात है, बट इफ यू हैव विलफुली डन दैट प्लीज अवॉइड सच प्रैक्टिसेस। और जैसे मैडम कह रहे थे कि मैंने आप बीच में इंटरफेयर मत करिए, इवन मैं बोलने के टाइम पे भी हैंड रेज करने का मैं इनकरेज नहीं करूंगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक वो प्रोफेसर अहमद साहब प्रेजेंटेशन देंगे या कुछ समझाते रहेंगे, तब उस पीरियड में हैंड रेज या कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालना अवॉइड करिए। जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म होगा उसके बाद हैंड रेज करिए, डॉक्टर शालिनी विल मॉडरेट, आप लोगों को एक एक करके इन्वाइट करेंगे। तो ये मेरे सारे लर्नर्स को मेरा रिक्वेस्ट था। प्रोफेसर सुफियान अहमद जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे इतना बड़ा रेपुटेड यूनिवर्सिटी से हमारे पास आए हुए, एंड आई एम टोल्ड दैट ही इज द डेप्यूटी डायरेक्टर देयर, तो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर अस टू हैव प्रोफेसर सुफियान अहमद साहब जामिया मिल्लिया के साथ। हमारे अभी कुछ दिन पहले हमारे जामिया मिल्लिया के प्रोफेसर को बुलाया गया था, अभी उर्दू का जो एम ए उर्दू का जो हमारा प्रोग्राम लंच हुआ वहाँ के वी सी साहब को बुलाया गया था, तो दैट वॉज ए ग्रेट ऑकेजन। तो जामिया मिल्लिया हैज एज ए नेशनल यूनिवर्सिटी इट हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्दरिंग द एजुकेशन ऑफ द पीपल मासेस। तो हमारा भी उम्मीद रहेगा कि प्रोफेसर सुफियान अहमद के प्रेजेंस में हमारा जो आलोक चंद्रा, वीडियो ऑफ करिए प्लीज, मैडम जो बोले थे उसको थोड़ा सा ध्यान से रख सुनिए और करिए। आई एम एबल टू सी थिंग्स विच आई शुड नॉट, प्लीज वीडियो ऑफ करिए, नहीं तो एक जगह पे बैठी है, वीडियो ऑन रखे। तो वही है, तो अभी मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा क्योंकि वी हैव प्रोफेसर सुफियान अहमद विद अस एंड आई डोंट वांट टू कम बिटवीन यू एंड हिम। आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग ए वेरी इंटरैक्टिव एंड यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन ड्यूरिंग द टू डेज ऑफ वर्कशॉप। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब डॉक्टर शालिनी मेरे पास प्रपोजल लेके आए तो मैंने ही उनको प्रपोजल दिया था कि बीच में एक ब्रेक रखा जाए क्योंकि उनको काम दिया जाए, लेट अस टेक वर्क फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये होता है या वर्कशॉप में ऐसे होता है कि लोगों को काम दे माने जस्ट डाल के वास्ते दे दिया जाता है, बट नोबडी चेक्स इट, उसको बाद में उसको चेकिंग नहीं किया जाता है, फीडबैक नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जो हम लोगों ने ऐसे गैप रखा है, और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी असाइनमेंट डॉक्टर शालिनी या प्रोफेसर अहमद आप लोगों को देंगे बाय द एंड ऑफ टुडे, तो काइंडली वर्क ऑन दोज असाइनमेंट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू डेज, आई मीन टू सो 5th and 6th, और उसको सिंसियरिटी के साथ, उसको और ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ ऑनेस्टी भी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च में अभी इंडिया का इतना बुरा हाल है इसीलिए क्योंकि लोग रिसर्च में ओरिजिनलिटी मेंटेन करना नहीं चाहते, वो चाहते कि जैसे तैसे करके काम हो जाए। बट आई वुड इंसिस्ट ऑन दैट, अनलेस यू बैंक अपन क्वालिटी मटेरियल्स, अनलेस यू रेफर टू क्वालिटी मटेरियल्स, अनलेस यू डू समथिंग विच इज ओरिजिनल, नोबडी इज गोइंग टू गिव रिकॉग्निशन। आपका दूसरे कंट्री के तुलना में हमारा कुछ भी नहीं है। कल ही मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा था किसी का, जैसे कि दूसरे कंट्री में जब 100 में 111 है चाइना का नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, मतलब माने उस सॉरी 1000 में 111 पब्लिकेशंस रहता है और हमारा सिर्फ ओनली 15 है, तो दैट्स वेरी पैथेटिक, मतलब हम कितने पीछे हैं। और जो 15 भी होता है उसको भी क्वालिटी उसमें मेंटेन बहुत कम किया जाता है। मैंने देखा है पटना यूनिवर्सिटी को जाते हुए, मैंने देखा है दुकान में बिकता है रिसर्च प्रपोजल्स, सिनॉप्सिस, असाइनमेंट्स, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग हमारे बच्चे उसको खरीदते हैं।
लेकिन ऐसे चीजें मत करिए, बिकॉज बाय डूइंग सच थिंग्स जो तो बिक रहे हैं दुकान में वो तो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खरीद रहेंगे आप लोग, आप भी उसके पार्टी बनेंगे और अपना करियर को बर्बाद करेंगे। क्योंकि जो मैंने पढ़ाई का जो जो हमारा जैसे कि इग्नू का तो इतना सिस्टम रिगोरस सिस्टम है, उस सिस्टम को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से करेंगे तो आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे पास ऐसे भी मैंने इनपुट से लोगों का कि दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ जब कंपेयर किया गया इग्नू के बच्चों को प्रेफरेंस दिया गया, बहुत सारे जगह में ऐसे हुआ है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो डिग्री करेंगे डिग्री को मेहनत करके उसको अर्जन करिए, सो दैट कि उसको लेके आप भविष्य में गर्व कर सकेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता था। वंस अगेन डॉक्टर शालिनी को कंग्रेचुलेशन एंड प्रोफेसर सुफियान अहमद को फिर एक बार धन्यवाद हमारे इनविटेशन को, क्योंकि संडे मैं जैसे कोऑर्डिनेटर्स को बोलता हूँ संडे सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ी सेक्रीफाइस होगा, तो संडे के लिए सार तैयार हुए और हमें साहब को घर से ग्रेट जेस्चर फ्रॉम हिम। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग ए वेरी इंटरेक्टिव वेरी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप विद हिम एज द रिसोर्स पर्सन एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हू टेक बेनिफिट फ्रॉम हिज एरुडाइट एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सर ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं आप सबको। आप सब ये जानकर बिल्कुल मोटिवेट हो गए होंगे कि हमें क्या करना है, ऑनेस्टी से काम करना कितना जरूरी है। आप सब इन बातों से ध्यान रखेंगे अगर इन बातों का, तो फ्यूचर में आपको कभी किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद ही दूसरे के सहायक बनेंगे। अगर आपको खुद आज पता चल जाएगा रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, तो कोई एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप किसी और को गाइड करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं सीखा होता है। सीखने के बाद ही आज शायद सर सुफियान अहमद सर को हम यहाँ इसलिए कॉल कर पाए हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जानी है, उसके बाद ये इस लायक हुए हैं कि आज हम सबके बीच बैठे हैं और हम सब इनसे कुछ अर्जित करने की इच्छा रखते हैं। तो आप सब भी जरूर सर की बातों पर ध्यान देंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे जो भी वर्क दिया जाएगा। पर इससे पहले कि हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करें, आज के हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुफियान अहमद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबको दे दूं, क्योंकि ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय से हैं और हमारे पटना या आसपास के क्षेत्रों से नहीं है, तो हम सब इनसे बिल्कुल इनके बारे में परिचित नहीं है, तो इनका परिचय आज हम लोगों के साथ होना बहुत ही लाजिमी है। तो सबसे पहले आप इनका नाम देख रहे हैं कि डॉक्टर सुफियान अहमद सर हैं, ये डिप्टी लाइब्रेरियन है जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में अवस्थित है, और इन्होंने डबल मास्टर डिग्री की है। जरूर जिस तरीके से आप सब आए हैं हमारे पास एमलिस की डिग्री लेने के लिए, तो जरूर आपने ग्रेजुएशन और पीजी में कोई और भी सब्जेक्ट रखा होगा, तो सर के साथ भी है कि इन्होंने दो बार एमए किया हुआ है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, यूजीसी नेट है, और सर ने एक अलग से डिग्री ली है पीजी डिलाइन की, जो शायद आप सबको भी लेनी चाहिए अगर आप लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसके साथ आपके जब सर आपसे जुड़ेंगे तो आप सब सर से इन बातों का भी जरूर पूछेंगे कि उनको आपको भविष्य में कौन कौन से आगे कोर्सेज करनी चाहिए या इग्नू में और सी कौन सी ऐसी कोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है अहमद सर कि आप हमारे बच्चों को जरूर लास्ट में गाइड करेंगे कि उनको और क्या क्या चीज करनी चाहिए। इसके पहले जब जामिया मिलिया से पहले इन्होंने 23 ईयर सर्विस दिया हुआ है, साहित्य अकादमी एज अ लाइब्रेरियन उन्होंने काम किया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर भी रहे हैं सर, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और इनके जर्नल्स भी बहुत छपे हैं इनके। तो आप सब इन डायरेक्शन में भी सर से जरूर ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने इस एमलिस प्रोग्राम के थ्रू आप किताबें लिख सकें या फिर जर्नल्स में अपने कोई भी रचनाएं प्रकाशित करा सकें। तो ये सब इनकी तो छोटी सी जानकारी हमने आपको दी है, पर वर्कशॉप के दौरान आप शायद जान पाएंगे कि सर कितने सक्षम है आप सबको गाइड करने के लिए और बहुत ही इंजॉय करके सर पढ़ाएंगे, ऐसा मेरी बातचीत के दौरान सर से जो भी मेरी अभी तक की इंटरेक्शन के दौरान मुझे जानकारी मिली है कि सर बहुत ही लिबरल और बहुत जानकार हैं और इनकी सारी जानकारियों का फायदा आपको मिलेगा। तो मैं अभी इस सेशन को अपने आज के रिसोर्स पर्सन जो मुख्य अतिथि की तरह से भी हमारे हैं और मैं उनको सौंपना चाहती हूं और आप सब इनके साथ एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट सर। प्लीज अहमद सर माइक्रोफोन ऑन कर ले। जी जी थैंक यू सो मच डॉक्टर शालिनी एंड थैंक यू सो मच
all the organizers for inviting me here as a resource person in 2-day online workshop on effective research proposal and report writing, which I consider a very important topic with regard to preparing the synopsis as well as final dissertation writing. Because मैंने ये देखा है, I will be using both the languages so that you can completely understand the concept. Because I am also from Bihar. I know people may have some difficulty when we speak throughout English. Maybe you might be some of you may not understand the concept very well. तो मैं दोनों लैंग्वेज जानता हूँ अच्छी तरह, तो मैं दोनों ही जबान में बात करूंगा आपसे ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए. तो सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आपके बारे में सोचा. ऐसा बहुत कम जगहों पर, चूंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ टीचिंग से और लाइब्रेरी साइंस में लीड की क्लासेस लेता हूँ जहाँ जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कोई प्रोग्राम मेरी नॉलेज में नहीं है जो कहीं पे भी ऑर्गेनाइज किया गया हो. तो आई थिंक, और अक्सर ये देखा गया है, मैं बहुत सारे लोगों का सुपरवाइजर रह चुका हूँ, तो अक्सर मैंने देखा है कि जब वो सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे ही वो रिजेक्ट हो जाती है. एंड उसके बहुत सारे कारण है, इसमें बच्चों का दोष मैं बहुत ज्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट द राइटिंग ऑफ सिनॉप्सिस. छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको पता नहीं होती है, और उस वजह से वो सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाती है और उनको बार बार जमा करना होता है. कई बार ऐसा होता है कि उनका साल तक खराब हो जाता है. तो ये मैं समझता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजर आपके हैं, डॉक्टर शालिनी मैडम, डॉक्टर अभिलेश नायक जी, डॉक्टर दीपक साहब, और सबसे सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आयशा का, हु हैज बीन माय स्टूडेंट. शी हैड सबमिटेड हर dissertation under my supervision and through whom I got connected with all these people and today I am here with you. So namaskar sab logon ko bahut bahut, aur main koshish karunga because I still consider myself as a student, as a learner. To main bhi seekhta rehta hu, aur jaisa ki sir ne kaha, Abhilash sir ne aur madam ne kaha ki dekhiye seekhne ki cheez hoti hai, to hum jitna prishram karenge, jitna zyada hum efforts lagayenge, utna acha hamara करियर होगा और उतने ही अच्छा जीवन में हम सक्सेसफुल होंगे. तो ये जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है विद रिगार्ड टू योर सिनॉप्सिस राइटिंग एंड फाइनल डिजर्टेशन राइटिंग. बिकॉज सी, सर ने जैसा बोला, अभिलाष सर ने, कि रिसर्च इंटेग्रिटी और जो आपका रिसर्च ओरिजिनलिटी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे ये देखा गया है कि लोग गलत ढंग से वो डिजर्टेशन लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं या किसी और का जो रिसर्च किया हुआ है उसको लेके या खरीद के या कहीं से लेकर के कॉपी पेस्ट करके वो तमाम चीजों को जमा कर देते हैं, और उसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं. जैसे कि किसी भी समय आपके ऊपर वो कुछ कोई क्लेम कर सकता है कि ये हमारा रिसर्च इन्होंने कॉपी किया है, और इनकी डिग्री खारिज की जाए या इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कई बार बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस सामने आते हैं. आई होप मैडम आई एम ऑडिबल. तो ऐसा नहीं है कि आपका अभी डिग्री मिल गई और आप निश्चिंत हो गए, तो कभी भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है. तो उन सब से बचने के लिए अभी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, और जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये आपको बहुत बहुत सुविधा हो जाएगी और बहुत आराम से आप कर सकते हैं. ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जीवन में जो आप नहीं कर सके. अगर आपने समझ लिया ठीक से कैसे कैसे आपको सिनॉप्सिस बनानी है, तो उसमें कोई रिजेक्शन के भी चांसेस नहीं होंगे. हो सकता है छोटा मोटा सुझाव आपके पास आए जिसको आप बहुत कंफर्टेबली इनकॉर्पोरेट करके फाइनल आप सिनॉप्सिस जमा करेंगे, एंड इट विल डेफिनेटली बी अप्रूव्ड. उसके बाद फिर आप डिजर्टेशन भी बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है. और ये तो आपकी बिगिनिंग है, आगे आपको एमफिल या पीएचडी करना है. अगर एक बार आपको समझ में आ गई है तमाम चीजें, तो ये आगे भी आपको काम.
So give me 1 minute so that I can share my PPT. Just a minute. Madam Shalini, is my screen visible? Yes sir. So as you all know, the topic for today's presentation is effective research proposal and report writing. So during the whole presentation I'll be touching upon these points like academic integrity and research ethics, jo aapki शैक्षिक अखंडता है और शोध नैतिकता है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे. देन आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यूजीसी गाइडलाइंस ऑन प्लेजरिज्म एंड एकेडमिक इंटेग्रिटी. प्लेजरिज्म क्या चीज है, हाउ टू अवॉइड इट, वो सब हम बात करेंगे. देन वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर. So there are software also like Urkund, Turnitin, iAuthenticate, etc. through which basically it checks the similarities. कितना आपने टेक्स्ट कहाँ से लिया है, ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने सुना होगा या हो सकता है आप पढ़ेंगे आगे प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में. तो Urkund जो है वो UGC यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और उसके थ्रू जो रिसर्च वर्क होता है उसका सिमिलरिटी चेक किया जाता है और उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कितने परसेंट तक अलाउड है, कितने परसेंट तक आपको दोबारा करने के लिए कहा जाता है अपना सिनॉप्सिस तो नहीं, आपका डिजर्टेशन जो है उसको दोबारा करने के लिए, वो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे अगले स्लाइड में. देन देयर इज अ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स ऑल्सो थ्रू विच यू कैन मैनेज योर इंटायर रिसर्च वर्क एंड by using Mendeley, Zotero, EndNote, these all are free software. If you can use them, then the research becomes very easy. You can manage in the entire research. And ये देखा गया है अक्सर कि जब आप bibliography वगैरह, अभी तो चलिए आपके master's level पे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब आप PhD करेंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे hundreds of मान लीजिए आपके references होंगे. तो मैनेजिंग द रेफरेंसेज बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ये दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. और फिर ये भी होता है कि आप क्या स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, देर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ साइटेशन और रेफरेंस. तो ये टूल अगर आप यूज करेंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा. मैं आपको बताऊंगा भी, मे बी इफ नॉट टुडे देन इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आई विल शो यू हाउ वी कैन डाउनलोड द मेंडले एंड हाउ वी कैन इंस्टॉल इट एंड हाउ वी कैन यूज इट एंड थ्रू विच हाउ वी कैन मैनेज आवर इंटायर रिसर्च और कैसे ये आसान कर देता है आपके बिब्लियोग्राफी या इनटेक्स्ट साइटेशंस को, ये सब हम डिस्कस करेंगे. देन देयर इज ऑल्सो लैंग्वेज करेक्शन टूल्स, ग्रामरली है और भी बहुत सारे फ्री लैंग्वेज करेक्शन टूल है. अभी आमतौर पे ये देखा गया है कि जिन लोगों की जबान इंग्लिश नहीं है, मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट कम फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड और वहाँ पे क्या होता है कि हमें लिखने में परेशानी होती है या हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, तो आप अगर ये ग्रामरली डाउनलोड कर लेंगे, दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और अगर आप यूज करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रामर है या आपका लैंग्वेज करेक्शंस है ये सब ऑटोमेटिकली आपको करके बताएगा, सजेस्ट करेगा, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. देन फाइनली आई विल कम टू द मेन प्रेजेंटेशन, दैट इज हाउ टू राइट द सिनॉप्सिस एंड द डिसर्टेशन, जिसके लिए ये पूरा का पूरा वर्कशॉप रखा गया है. तो एक एक करके पहले हम इसके बारे में एकेडमिक इंटीग्रिटी और रिसर्च एथिक्स के बारे में बात करेंगे. मैडम ये दूसरा मेरा स्लाइड चेंज हुआ है, एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स.
नो सर, नहीं फर्स्ट स्लाइड ही है। जी सर जी, वो कुछ प्रॉब्लम्स आती है इसलिए मैं आ गया सर। तो अगर हम ये फुल स्क्रीन ना करें तब भी दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर, यस सर, ओके, क्लियरली विजिबल, देन फाइन। So as I told you, and sir Abhilash sir also told his during his talk that academic integrity and research ethics is very much important because see what happens nowadays, people buy it, people copy and paste it from some other sources, and they try to submit it, which is not ethically correct. So हम लोगों को चाहिए कि हम जो भी काम करें रिसर्च में वो बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करें। और कुछ भी देखिए, रिसर्च में आप कहीं से ये बुरी बात नहीं है कि आप कोई रेफरेंसेस ले रहे हैं, लेकिन यू मस्ट गिव द क्रेडिट टू द यू नो ऑथर, यू मस्ट साइट द रेफरेंस। अगर आपने प्रॉपरली साइट नहीं किया तो वो एक प्लेजरिज्म का केस बनता है और उसके लिए बहुत सारे सजा का प्रावधान है और आपकी थीसिस डिसर्टेशन कैंसिल हो सकती है। तो इसको लिहाजा बहुत ध्यान रखना है। सो रिसर्च एकेडमिक इंटीग्रिटी इज द मोरल कोड और एथिकल पॉलिसी ऑफ एकेडमिया। दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय द लेट डॉन मैकेबे, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी इज द कमिटमेंट टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑनेस्ट एंड मोरल बिहेवियर इन एन एकेडमिक सेटिंग। रिसर्च एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड रिसर्चर्स to conduct and report research without deception or intention to harm the participants of the study or members of the society as a whole, whether knowingly or unknowingly. So in simplest term, we can say that whenever you are taking references or some inferences from others' research, it requires acknowledging the contributions of other people. So if you are citing them properly, if you are giving them credit, then there is no harm in it. Magar research ka matlab hai ki kuch na kuch cheeze aapki apni original bhi honi chahiye. Aisa na ho ki sari cheeze aapne copy paste kar di aur uske baad aap references de rahe hain, to wo bhi sahi nahi hai. लिहाजा यह है कि आप चीजों को ले सकते हैं, दूसरी जगहों से पढ़ सकते हैं, दूसरे के आइडियाज आप ले सकते हैं, पढ़िए लीजिए और फिर अपनी तरफ से उसको सोचिए कैसे करना है आपको, एंड साथ साथ आपको उनका क्रेडिट उनको देना है। उन क्रेडिट कैसे देंगे कि उनका रेफरेंस जो है वो आप उनको बिब्लियोग्राफी में उनका रेफरेंस देंगे। अगर आप इंडेक्स साइटेशन देना चाहते हैं तो वहां पर भी आप दे सकते हैं, वो बाद में हम बताएंगे कि इंडेक्स साइटेशन कैसे दिया जाता है और बिब्लियोग्राफी वगैरह भी कैसे लिखी जाती है। सब वो सारे पॉइंट्स आएंगे हमारे इस डिस्कशन में। तो रिसर्च एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स के बारे में आपको ये मालूम हो गया कि हमें क्या करना है। हमें अपना काम ईमानदारी के साथ करना है, हमें अपना काम जो है बहुत ठीक ढंग से करना है ताकि ये प्लेजरिज्म ना हो। ये रिसर्च एकेडमिक इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स जो है वो, देयर आर फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स, एंड दीज आर ऑनेस्टी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ऑनेस्टी। सो अगर आप ये ऑनेस्टी के साथ अपना रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। देन इट कम्स ट्रस्ट, उसके बाद फेयरनेस, फिर रेस्पेक्ट एंड फाइनली रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर फाइव पिलर्स और फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज फाइव प्रिंसिपल्स, देन देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद योर रिसर्च वर्क, एंड आपका रिसर्च वर्क जो होगा वो एक जेन्युइन होगा। देन देर इज सम यूजीसी रेगुलेशंस ऑल्सो। It was issued in 2018, and in order to, because why it was why there was a necessity for UGC to issue this regulation, so in order to put a check on plagiarism and to recommend some institutional mechanism to eliminate the scope of this menace in higher education system in the country, UGC issued a regulation on 23rd July 2018, which is known as Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions,
which states that the assessment of academic and research work done leading to the partial fulfillment for the award of degrees at master's and research level by a student or a faculty or a researcher or a staff in the form of thesis, dissertations, and publication of research papers, chapters in books, full-fledged books, and any other similar work should reflect the extent to which elements of academic integrity and originality are observed in various relevant processes adopted by higher educational institutions. And it will be applicable to students, faculty, researchers, and staff of higher educational institutions in the country. So, कहने का मतलब ये है कि जब ये यूजीसी के नोटिस में आया कि बहुत सारे रिसर्च आजकल जो हमारे यहाँ हो रहे हैं वो सब फेक रिसर्च है. फेक का मतलब है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, कहीं से खरीद लिया, है ना, दूसरे की थीसिस है, आपने टाइटल वाइटल चेंज किया और आपने सबमिट कर दिया. तो इसको चेक करने के लिए कहीं ना कहीं यूजीसी को लगा कि इसके ऊपर कुछ चीजें ऐसे इम्पोज करना चाहिए ताकि इस तरह का जो मिसकंडक्ट है रिसर्च में वो ना हो. लोग सिंसिरिटी से करें, सीरियसली करें रिसर्च, और इन चीजों को जो गलत ढंग से रिसर्च हो रही है उस पर काबू पाया जा सके. इसलिए यूजीसी को 2018 में ये रेगुलेशन जो है वो एक निकालना पड़ा, और इसको बहुत ही रिगरसली फॉलो होता है. और इसमें जो है आपको बताएंगे हम कि किस तरह से इसका इम्प्लीकेशंस है वो सारी चीजें. इसके बाद है प्लेजरिज्म इन रिसर्च. अब प्लेजरिज्म क्या चीज होती है रिसर्च में? सो प्लेजरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन्स एल्स वर्क एंड अटेम्प्टिंग टू क्लेम एज इफ इट इज योर ओन. जैसा कि मैंने बताया कि आपने किसी और का रिसर्च वर्क लिया और आपने जमा कर दिया, मान लीजिए टाइटल वाइटल चेंज किया या कहीं से थोड़ा सा रेफराइजिंग किया और इधर उधर करके आपने जमा कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ये प्लेजरिज्म का केस बनता है. प्लेजरिज्म इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट. मिसकंडक्ट मीन्स फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और एनी अदर प्रैक्टिस दैट सीरियसली डिविएट्स फ्रॉम प्रैक्टिसेस कॉमनली एक्सेप्टेड इन डिसिप्लिन और इन द एकेडमी and research community generally in proposing, performing, reviewing or reporting research and creative activities. So आपको ये बचना है कि plagiarism. अच्छा, क्या होता है कि जब आप submit करते हैं तो university अपने level पे या research वगैरह में तो कहती है कि आप पहले अपना plagiarism check करके लाइए through either Urkund या Turnitin से जो सॉफ्टवेयर है, और उसमें कितना सिमिलरिटी है. एग्जैक्टली ये प्लेजरिज्म नहीं चेक करता है बल्कि ये सिमिलरिटीज चेक करता है. सिमिलरिटी कहाँ से चेक करेगा? जिनके पास जितना डेटाबेस होगा, सपोज कीजिए उरकुंड में जितना डेटाबेस उनके पास, जितने मटेरियल्स रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उसके साथ वो उसको सिमिलरिटी चेक करेगा कि कितनी समानता है, और उसके आधार पर आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या सोर्सेज से नकल की है, कहाँ कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ से आपने लिया है, कितने परसेंट लिया है. तो फिर आप उस आधार पे, अगर वो 10% से कम है तब तो वो एक्सेप्टेबल होता है, नहीं तो वो आपको फिर रिवाइज करना होता है. तो प्लेजरिज्म आपको ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म. क्या क्या चीजें हैं जो प्लेजरिज्म मानी जाती है या कंसीडर की जाती है. सो सबमिशन ऑफ अ पेपर, डिसर्टेशन, थीसिस सबमिटेड दैट हैव नॉट रिटन बाय योर ओन, जो कि आपने अपना डिसर्टेशन, जैसा कि सर कह रहे थे अभिलाष सर, कि ऐसा भी देखा गया है कि मार्केट में ये चीजें अवेलेबल है, लोग लेते हैं और उसको जमा कर देते हैं, तो ऐसी चीजें प्लेजरिज्म में आएंगी और आपका रिजेक्ट हो जाएगा. तो इससे आप बचें, इस तरह का काम ना करें. क्योंकि देखिए, वैसे भी नैतिकता और जो ईमानदारी है वो सब बड़ी बहुत चीजें हैं, जरूरी है जिंदगी में. क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर हमने ये काम किया तो एक तो नैतिकता के आधार पर भी गलत है, मोरल एथिक्स जो है वो भी अलाउ नहीं करता है. दूसरी चीज, ये बहुत शर्मिंदगी का भी बाइस बन सकता है, सबब बन सकता है आपके लिए. मे भी 4 साल, 10 साल, 20 साल के बाद अगर कभी ये डिटेक्ट हो गया,
तो वहां पर क्या होगा, आप एक अच्छी पोजीशन में है, मान लीजिए कहीं आपने ज्वाइन किया टुमारो, इफ यू ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन एज लाइब्रेरियन एंड इफ योर रिसर्च इज डिटेक्टेड एज प्लेजराइज्ड, देन व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू फेस अ सीरियस कंसीक्वेंसेस। बहुत सारे इंसिडेंसेस है इस कंट्री में भी, इंडिया में भी, जहां पर बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे रहते हुए लोगों को जेल तक जाना पड़ा है। एक केस डीयू के वाइस चांसलर साहब का भी है जिनको जेल तक जाना, हालांकि बाद में वो प्रूव हो गया था कि नहीं वो उसमें ऐसा प्लेजरिज्म का मामला नहीं था। लेकिन कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी पोजीशन पे रहते हुए भी आपको बहुत सारे ऐसे कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो क्यों करेंगे हम ऐसा काम? अगर हम आज हमें ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है कि कैसे लिखना चाहिए, कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी ईमानदारी अगर बरतेंगे, बिकॉज देखिए इट इज यू हु नोज फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन, हाउ मच यू हैव टेकन, हाउ यू हैव रिटन योर डिसर्टेशन, नो अदर सॉफ्टवेयर और नो अदर पर्सन कैन चेक इट एज यू नो, बिकॉज यू हैव टेकन द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन ऑल द मटीरियल्स, हाउ मच यू हैव टेकन, आपको ये मालूम है सिर्फ, इसलिए आपके ऊपर ही है कि आप उसमें ईमानदारी बरतें, और उसमें जितनी ईमानदारी बरतेंगे हो सकता है कि आप कभी जिंदगी में ना भी पकड़े जाए, लेकिन आपका जो जमीन है, आपका जो कॉन्सेंस है, वो तो हमेशा कहेगा ना कि आपने यहाँ गड़बड़ी की है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत करें, हम अपने आइडियाज रखें, किसी चीज को पढ़िए, उसके उसके आप रेफरेंसेस नोट कीजिए, प्रॉपर साइट कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका जो आइडियाज है, थॉट है, वो सब आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो वो आगे आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, दिक्कत करेगा, तो क्यों हम वो चीजें रिस्क लें, है ना? और फिर कहीं ना कहीं वो एक चीटिंग भी होती है ना? देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्या कंसिडर होता है प्लेजरिज्म में, कॉपी आंसर्स और टेक्स्ट फ्रॉम अनदर क्लासमेट एंड सबमिट इट एज योर ओन, किसी का भी आपने लिया, कोट एंड पैराफ्राइज फ्रॉम पैराफ्रेज फ्रॉम अदर अनदर पेपर विदाउट क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर, अगर कोई कोट लेते हैं आपने, कोटेशंस लिया कहीं से, या कोई भी उसको किसी का कुछ टेक्स्ट लिया और उसको आपने क्रेडिट नहीं दिया, प्रॉपर साइट नहीं किया, प्रॉपर रेफरेंस नहीं दिया, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म, साइट डेटा विदाउट क्रेडिटिंग द ओरिजिनल सोर्सेज, सेम थिंग, कोई भी टेक्स्ट लेना है, कोई भी डेटा लेना है, कोई भी चीज करना है, सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द क्रिएटर ऑफ दैट डेटा और दैट मटेरियल, प्रपोज अनदर ऑथर्स आइडिया एज इफ इट वाज योर ओन, किसी और का आइडिया है उसको आप अपना बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म, देन फैब्रिकेशन रेफरेंसेज और यूजिंग इनकरेक्ट रेफरेंसेज, गलत साइट करना भी, वो भी आपने रेफरेंस दिया लेकिन वो गलत तरीके से रेफरेंस दिया, वो सही नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज प्लेजरिज्म, सबमिटिंग समवन्स एल्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स स्प्रेडशीट और अदर फाइल्स विदाउट और विद ओनली माइनर चेंजेस, अगर आपने किसी और का प्रेजेंटेशन लिया या प्रोग्राम लिया, कोई फाइल्स ले ली, फाइल्स मतलब टेक्स्ट है जो आपका रिसर्च वर्क है, और उसमें कुछ माइनर चेंज किया, हेर फेर किया, रद्दो बदल किया, और उसको आपने जमा कर दिया, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर प्लेजरिज्म, बाइंग और सेलिंग टर्म पेपर्स, असाइनमेंट्स, डिसर्टेशन, थीसिस एक्सेट्रा, जैसा कि सर कह रहे थे अभिलाष सर, के अगर आपने खरीद के कोई टर्म पेपर या असाइनमेंट्स या डिसर्टेशन जमा किया, थीसिस जमा किया, तो वो भी प्लेजरिज्म का केस बनेगा, सो नॉट ओनली आपकी डिग्री कैंसिल होगी, इफ यू आर होल्डिंग एनी पोजिशंस, वो आप यू विल लूज दैट पोजिशंस ऑल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच रिस्क देयर इज इफ यू आर कमिटिंग नोइंगली ऑल दीज एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म और मिसकंडक्ट इन रिसर्च, द कंसिक्वेंसेज मे बी वेरी वेरी बैड, सो जस्ट टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, Madam and sir have organized this very important workshop on this topic. तो आपको सारी चीजें देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जानबूझ के नहीं करते हैं because of hello
कोई प्रॉब्लम है मैडम, कोई बीच में कुछ पूछना चाह रहा हूँ? सैयद मुंशी तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करना है. देन व्हाई डू पीपल प्लेजराइज? हम लोग प्लेजरिज्म का एक्ट हम क्यों करते हैं, क्यों हो जाता है ये सारा प्लेजराइज? बिकॉज ऑफ स्टडी प्रेशर. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ स्टडीज, देन डिसऑर्गेनाइजेशन. इफ यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन योर रिसर्च वर्क, देन देयर मे बी अ चांस ऑफ प्लेजरिज्म. पुअर स्टडी हैबिट्स, अगर आप पढ़ते नहीं हैं ठीक से, है ना, मेहनत नहीं करते हैं. कट एंड पेस्ट कल्चर, आपने ये सोचा कि भाई यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, है ना, यहाँ से लेके डिसर्टेशन जमा कर देंगे, तो प्लेजराइज, इस तरह से प्लेजराइज लोग कमिट करते हैं. मे बी इंग्लिश मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट, बिकॉज हमारी इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज नहीं है. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आर फ्रीली अवेलेबल टूल्स, बाय यूजिंग दोज टूल्स यू कैन इवन राइट अ वेरी गुड इंग्लिश. जब आप कुछ भी लिखिए वो करेक्ट करेगा, आपको सजेस्ट करेगा. उसमें ग्रामरली एक बहुत हेल्पफुल टूल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीरियसनेस ऑफ प्लेजरिज्म, आपको प्लेजरिज्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या चीजें प्लेजरिज्म के दायरे में आती है, है ना, तो ये सारी चीजें भी कई बार लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए लोग प्लेजराइज करते हैं या इस कॉपी पेस्ट का काम करते हैं या गलत ढंग से अपना रिसर्च प्रस्तुत करते हैं. केयरलेस एटीट्यूड, आप सीरियस नहीं है. इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडी, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर रिसर्च, देन यू विल डेफिनेटली कमिट दिस टाइप ऑफ एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म. देन लैक ऑफ रेफरेंसिंग स्किल्स, व्हाट हैपेंस if you are taking some text or some ideas from other sources, if you don't know how to properly cite it, how to properly reference it, then this may be a reason of plagiarism. logon ko kai baar malum hi nahi hota hai kaise karna chahiye, kya karna chahiye. that I will also tell you how to properly cite the references. then सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेजरिज्म. अब प्लेजरिज्म में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, क्या चीजें आती है, क्या चीज आपको उसमें बताएगा. तो अगर आप सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे, जो हमारा प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, उर्कुंड या टर्निटिन आइथेंटिकेट वगैरह, तो उसमें यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस दिया है. द सिमिलरिटी चेक्स फॉर प्लेजरिज्म शैल एक्सक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें नहीं काउंट होगी. ऑल कोटेड वर्क produced, reproduced with all necessary permission and or attribution. अगर आप कोई quotation या quoted work cite कर रहे हैं और उसका proper आप reference दे रहे हैं, उसका credit दे रहे हैं, तो ये plagiarism के दायरे में नहीं आएगा. Then all references, bibliography, table of contents, preface and acknowledgement, these items will not come under plagiarism. All generic terms, laws, standards, symbols and standards equations. अब कोई फार्मूला है गणित का या केमिस्ट्री का, वो सब फार्मूला वगैरह ये बहुत यूनिवर्सल नॉलेज है, जनरल जेनरिक टर्म्स है, एवरीबॉडी नोज इट, ये भी इसमें नहीं आएगा. सो द रिसर्च वर्क कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज, विच शैल इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, कंक्लूजंस एंड रिकमेंडेशंस only and shall not have any similarities. ये जो चीजें हैं including hypothesis, abstract, summary, ये सब उसके दायरे में, plagiarism के दायरे में नहीं आएगा. It shall exclude a common knowledge or coincidental terms up to 14 consecutive words. इसमें आपके जो जब आप चेक करते हैं plagiarism या similarity, तो वहां पर UGC ने ऐसा प्रावधान किया है कि 14 वर्ड्स तक अगर आपका लगातार सिमिलर भी है तो भी वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा. देन
detection, reporting, handling of plagiarism. So if any member of the academic community suspects with appropriate proof that a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report it to the Departmental Academic Integrity Panel, which is in short known as DAIP. Upon receipt of a such complaint or allegation, the DAIP shall investigate the matter and submit its recommendation to the Institutional Academic Integrity Panel of the higher educational institutions, and the authorities of higher educational institutions can also take sumoto, notice of an act of plagiarism, and initiate proceedings under these regulations. Similarly, proceedings can also be initiated by the higher educational institution on the basis of findings of an examiner. All such cases will be investigated by the Institutional Academic Integrity Panel. अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई अपना डिजर्टेशन सबमिट कर दिया और ये किसी ने क्लेम कर दिया कि आपने उनका उनका जो है रिसर्च उसकी चोरी की है या उसमें आपने उनका लिया है लेकिन आपने प्रॉपर उनको क्रेडिट भी नहीं दिया या आपका पूरा का पूरा डिजर्टेशन और थीसिस जो है वो प्लेजराइज है, तो ऐसे केस में ये हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दो कमिटीज बनाई गई है जो जो के जिसके पास ये केस जाएगा, जैसे डिपार्टमेंटल, पहले तो डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के पास जाएगा, वो अगर उसको मिलेगा कोई कि हाँ इसमें सही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो रिकमेंड कर देगी आगे इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को और वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है खुद भी सुमोटो लेके अपने आप ही आपको नोटिस जारी कर सकता है अगर इस तरह का कोई आपने आपने अपने रिसर्च में कुछ ऐसे अनैतिक काम किया है, आपने प्लेजराइज किया है, तो जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं, तो ऐसा काम क्यों करें हम जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो, जबकि हमको मालूम है कि कैसे करना चाहिए, हमारे पास समय है, सारी चीज़ें हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि भाई हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो ओरिजिनल हो, हमारा अपना हो, और उसमें किसी का भी कोई ऐसा कोई मामला ना बने कि जिसकी वजह से कल को, आज नहीं तो कल को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी एट द टाइम ऑफ सबमिशन दे मे चेक योर थीसिस एंड इफ इट इज फाउंड दैट यू हैव कमिटेड अ प्लेजराइज्ड एंड यू आर सबमिटिंग अ प्लेजराइज्ड वर्क, then it may be rejected. So why should you commit in such act? So just to avoid, you should know all these things and you should do your research work accordingly. Then इसमें जो सजा का प्रावधान है या क्या इसमें exemption है, कितने level तक, तो चार level हैं इसके, उस चार level जो start होता है, level of plagiarism and penalties in case of submission of थीसिस एंड डिजर्टेशन, अगर आपने प्लेजराइज का केस हुआ कितना सिमिलरिटी आएगा, उसके अंदर चार लेवल दिया है, तो जीरो लेवल जो जीरो है उसमें सिमिलरिटीज अप टू 10% दैट इज कंसिडर्ड एज माइनर सिमिलरिटीज एंड देयर इज नो पेनल्टी प्रोविजन फॉर दिस सिमिलरिटी, कोई पेनल्टी आपको नहीं होगी, 10% तक एडमिसेबल होता है, 10% तक अगर सिमिलरिटीज है तो वो माइनर सिमिलरिटीज समझा जाता है आपके डिसर्टेशन में, आपके थीसिस में। उसके बाद जो लेवल वन है उसमें सिमिलरिटीज 10 से 40 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो हमने इसका एक वो भी दिया है, तो इसमें आप डिफरेंट लेवल्स आपको दिख रहा होगा, जो लेवल जीरो है वो ग्रीन है, ग्रीन मतलब बिल्कुल उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद जो लेवल वन है उसमें 10-40% है, इसमें क्या होता है, सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months, 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा कि आप दोबारा से अपने रिवाइज डिजर्टेशन जमा करें, जो टाइम पीरियड है उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा जब आपने जमा किया उसके बाद के, 10-40% अगर आपका आता है, 10 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेवल दो जो है उसमें कहता है सिमिलरिटीज एबव 40% to 60%, इस बीच में अगर आपका सिमिलरिटी लेवल आता है आपका डिजर्टेशन थीसिस वगैरह, सच स्टूडेंट शैल बी डिबैर्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, अब आपका 1 साल खराब हो जाएगा इस केस में, आपको साल भर तक अगर इतना आ गया तो बेटर है कि जब कभी भी आप रिसर्च वर्क करें तो उसका कहीं ना कहीं आप खुद से प्लेजरिज्म चेक करवा लें,
ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि सिमिलरिटीज कितना है उसमें। बेसिकली सिमिलरिटीज चेक करता है, प्लेजरिज्म तो नहीं सॉफ्टवेयर चेक करता, जो उर्कुंड या टर्निटन से आप लोग, आप चाहेंगे तो बाद में हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, हम आपका चेक कर देंगे कि कितना परसेंट आपका है, एंड विद इन 5 मिनट्स इट कैन बी चेक्ड। मगर बेहतर तो यह है कि जब, बिकॉज बार बार मैं कहता हूँ यू नो हाउ मच यू हैव टेकन फ्रॉम विच सोर्सेज, तो आप कोशिश करें कि वो चीजें प्लेजराइज या सिमिलरिटीज का केस ही ना बने, उतनी सारी चीजें हो ही नहीं। जब आपका ओरिजिनल वर्क होगा तो बिल्कुल भी सिमिलरिटीज 10% से कम होगी, डेफिनेटली कोई मतलब ही नहीं उससे ज्यादा जाने का, क्योंकि आपका ओरिजिनल वर्क है। Then level 3 है similarities above 60%, such a student's registration for that program shall be cancelled. ये हमने red level में उसको 3, जो level 3 रखा है उसको red इसी zone में रखा है, because उसके बाद क्या होगा, आपका registration ही cancel हो जाएगा अगर it is above 60%, अगर 60% से ज़्यादा similarities है आपने, इसका मतलब 60% से above है मतलब उससे और ज़्यादा भी हो सकता है, वो तो software ने 60% detect किया है from their own sources, from their own database, what they have with them. क्योंकि software जो हमारा Turnitin या हमारा जो Urkund है उसकी एक limitations है, उसके पास सारे resources नहीं है। दुनिया भर में बहुत सारे जो आपके publications हैं सब तो online नहीं है, सब तो उनके database में नहीं है, तो वो check कैसे करेगा? वो तो जो उनके पास है suppose कीजिए उसी में से वो check करेंगे ना। तो जो online आप resources लेते हो वो उसका detection बहुत आसान होता है, ऑफलाइन का डिटेक्शन थ्रू सॉफ्टवेयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नो सॉफ्टवेयर कैन चेक द सिमिलरिटी। लेकिन वही है कि कल को अगर कोई क्लेम हो जाएगा आपके ऊपर, जो आपने अगर ऑफलाइन भी लिया है कहीं से, हार्ड फॉर्म फॉर्मेट में अवेलेबल है, वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन कल को किसी ने क्लेम कर दिया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इन सब से बचना ही चाहिए, ये काम मत कर नहीं करें तो बेहतर है। देन हाउ टू मेंटेन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स एंड हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूं कि कैसे आप अगर जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या प्लेजरिज्म का केस होता है, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये दिक्कत नहीं पेश आएगी। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, पहली चीज है। नेगेटिव थिंकिंग लीड्स टू प्लेजरिज्म, आपने शुरू से ही नेगेटिव थॉट लिया, आपको क्लियर ही नहीं है, है ना कोई चीज, और सोच ऐसी है कि जैसे आपको कोई बात आप करने जा रहे हैं रिसर्च जिस टॉपिक पे, तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी, वही टॉपिक लें जिसके बारे में आप कर सके, जिसके साथ आप जस्टिस कर सके। देन प्लान टू राइट एट योर ओन टू न्यू थिंग, कोई भी नए उस पर लीजिए ताकि आप के अपना ओरिजिनल थॉट्स होगा उसमें। देन द टॉपिक ऑन विच यू आर गोइंग टू राइट मस्ट बी क्लियर टू यू, इफ द टॉपिक इज इटसेल्फ नॉट क्लियर टू यू देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट और जस्टिफाई योर टॉपिक। अब आप फिर क्या करेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक लेंगे, उसका आपको मालूम नहीं, डिफिकल्ट क्यों होता है, इफ यू डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, इफ यू नो द थिंग देन इट बिकम्स इजी फॉर यू। तो हमेशा कोशिश करें कि उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लें, तब आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करें और उस पर अपना डिसर्टेशन या थीसिस लिखें। डू रीड एनी आर्टिकल बट व्हाइल राइटिंग डोंट लुक एट इट, आप आर्टिकल पढ़िए, ये इट इज वेरी ऑब्वियस, इफ यू आर गोइंग टू राइट अ डिसर्टेशन यू हैव टू रीड अ लॉट, है ना, यू हैव टू रीड मे बी 30-50 आर्टिकल्स फॉर डिसर्टेशन। सिमिलरली इफ यू आर राइटिंग अ थीसिस you have to read hundreds of articles, so do read but don't consult it, don't keep it before you, okay, while writing it, otherwise fir kya hoga aap wo copy paste karenge, so don't do that, wo kaam mat kariye। And if you are not competent in English, first pay attention to it, you can learn from our tutor, as I said in previous slide that there is a tool called Grammarly, and you can take help of those Grammarly tools or other online dictionary tools, which will help you a lot in writing your dissertations. So even if you are not very convenient in writing in English, you can take help of these tools, which will help you a lot, and which will correct your sentences, not only sentences, the entire structure of your writings,
दे विल सजेस्ट यू हाउ टू करेक्ट इट. तो ये बहुत हेल्प हो जाती है अब, क्योंकि पहले तो ये सब चीजें नहीं अवेलेबल थी. नाउ देर आर टूल्स अवेलेबल फ्रीली ऑन नेट. इफ यू नो द थिंग हाउ टू यूज इट देन द थिंग बिकम्स वेरी यू नो इजी फॉर यू. इफ यू हैव रेड अदर सोर्सेस प्रिपेयर स्लिप्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स अलॉन्ग विद साइटेशंस. साइटेशंस कहते हैं उसका रेफरेंसेज आप नोट कर लीजिए. रेफरेंसेज यानी ऑथर, उसका ऑथर टाइटल, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर्स, कहाँ कितने पेजेस हैं, क्या वॉल्यूम है, क्या इशू नंबर है, कहाँ से पब्लिश हुआ, ये सारी चीजें आप रेफरेंस को नोट करते जाइए. किस डेट में आपने एक्सेस किया वो भी करिए, क्योंकि क्या होता है आज हो सकता है ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ ये प्रॉब्लम्स है. इफ यू हैव एक्सेस इट टुडे मे बी टुमारो इट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द डेट. वो रिमूव भी होता रहता है, तो आपको उसके साथ डेट भी देना होगा कि ऑन विच डेट यू हैव एक्सेस दैट आर्टिकल. नहीं तो फिर ये होगा कि वो आपका गलत हो जाएगा रेफरेंस. अदरवाइज इसका एक एक मेंडले एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स होता है, वो अगर आप डाउनलोड कर लेंगे और इफ यू नो हाउ टू यूज मेंडले देन योर रिसर्च बिकम्स वेरी इजी इन द सेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव फाउंड दैट व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, आई वाज डूइंग माय पीएचडी, there were hundreds of more than hundreds of references, and managing the references itself was a very tedious job. बहुत मुश्किल काम होता है कि उन सबको आप सबको लिखिए और उनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिकॉज फॉर एवरी मटीरियल्स लाइक बुक्स के लिए अलग साइटेशन स्टाइल होता है, रेफरेंसिंग स्टाइल होता है अलग, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, दैट आई विल शो यू कैसे होता है. और टाइट आर्टिकल अगर आप आपने कहीं का किसी जर्नल का पढ़ा है तो उसका थोड़ा सा अलग तरह से स्टाइल लिखना होता है. तो ये सब क्या होता था कि उनको प्रॉपरली अल्फाबेटिकली साइट करना, रेफरेंस देना, ये एक बड़ा कंबरसम जॉब हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है. बट विद द हेल्प ऑफ मेंडले सॉफ्टवेयर इट हैज बिकम वेरी इजी एंड यू कैन मैनेज योर इंटायर रिसर्च वर्क यूजिंग दिस मेंडले सॉफ्टवेयर. अगर टाइम मिलेगा मुझे नेक्स्ट डे में भी, शायद इतना हेक्टिक नहीं रहेगा, आज तो अभी बहुत लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू डिस्कस टुडे, तो मैं आपको उसके मेंडले के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आप डाउनलोड करके किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. मे बी इफ इट इज नॉट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट डूइंग योर एमलिव, मे बी टुमारो इफ यू गो फॉर हायर डिग्री मीन्स पीएचडी, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. तो पीएचडी वगैरह अगर आप में से जो लोग करेंगे उनके लिए मेंडले बहुत बहुत अच्छा टूल साबित होगा, जो आपके रिसर्च वर्क में एक तो आपकी बहुत सारी मेहनतों को कम कर देगा, जो एफर्ट्स है वो बहुत कम लगाने होंगे, दूसरी बात कि आपका समय बहुत बचाएगा ये. तो वो बाद में हम आपको टाइम मिलेगा तो बताएंगे. उसके बाद है एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर. जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअली ये प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर कहा जाता है, लेकिन ये प्लेजरिज्म नहीं चेक करता है, रादर इट चेक सिमिलरिटी. सिमिलरिटी कैसे चेक करता है, जो उनके पास अवेलेबल है, जितना बड़ा जिसका डेटाबेस होगा, जिसके पास, अब जैसे ट्रिनिटी है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ टॉपिक्स का उर्कुंड, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर यूजिंग दिस उर्कुंड which have been provided by UGC. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट का जो रिसर्च होता है उसमें ज्यादातर आपके उर्कुंड में सिमिलरिटी ज्यादा दिखाएगा. उसी आप रिसर्च वर्क को अगर टर्निटिन के साथ चेक करेंगे तो वहां पर कम परसेंटेज दिखाएगा सिमिलरिटी. तो ये डिपेंड करता है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है. और ये सब लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये होता है जो जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है. ऑल्दो यूजीसी फ्री देती है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को, लेकिन टर्निटिन आपको खरीदना पड़ेगा. आपके लाइब्रेरी या आपकी यूनिवर्सिटी अगर लेना चाहती है तो आपको खरीदना पड़ता है, और इसका काफी मतलब 5 लाख 6 लाख ऐसे एनुअल चार्ज लेते हैं. लेकिन इससे ये है कि ये बहुत, चूंकि अब ये देखा गया है पिछले दिनों की भाई बहुत सारे जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं वो उसके अंदर बिल्कुल वो कट पेस्ट और वो जो सारा अनएथिकल ये है
प्रैक्टिसेस है वो सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिसर्च वर्क जो है फेक रिसर्च है, सारे के सारे डेटा गड़बड़ है, सब कुछ है, दूसरे का लेकर के अपना क्लेम करके कुछ टाइटल वाइटल हेर फेर करके जमा कर रहे थे लोग, तो उस पर एक चेक करने के लिए, उसको थोड़ा सा रोकने के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में कि आप पहले उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे और उसकी सिमिलरिटीज देखेंगे कि कितनी है, अगर 10% से कम है तो देन इट्स ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उसमें कोई पेनल्टीज नहीं है, अगर 10% से ज्यादा है तो फिर डिफरेंट क्लॉज है, वो हमने आपको डिस्कस कर लिया, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। देन देयर आर आल्सो सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, उससे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो फ्री में मिलता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, छोटे मोटे आर्टिकल के लिए तो ठीक है ये हेल्पफुल हो सकता है, बट बड़े रिसर्च के लिए या डिजर्टेशन वगैरह के लिए इसमें बहुत कम सिमिलरिटीज दिखाएगा, क्योंकि इनके पास बैक एंड में वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो मकसद ये था हमारा ये सब बताने का कि बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद योर रिसर्च वर्क विद योर डिजर्टेशन, अगर इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स एंड इफ यू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड यू विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक, यू विल नॉट कमिट एनी अनएथिकल थिंग एंड you will not face consequently any consequences. So यही मकसद है इसके साथ। और इसके बाद हम जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के बारे में कि मेंडले, जोटेरो, एंड नोट, इजी बी, दीज आर द टूल्स विच कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग योर रिसर्च वर्क। इसके बारे में हम मेंडले के बारे में हम होपफुली नेक्स्ट जब हमारा प्रेजेंटेशन होगा तो हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि अगर इफ यू वांट टू यूज इट हाउ यू कैन यूज इट, हाउ यू कैन डाउनलोड इट, हाउ यू कैन इंस्टॉल इट, एंड इफ अगर ये थोड़ा सा कर लिया आपने तो आपका रिसर्च वर्क बहुत आसान हो जाता है, रेफरेंसेस वगैरह काफ़ी आसान हो जाएगा मैनेज करना, उसका रेफरेंसिंग स्टाइल वगैरह के लिए आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफेक्ट वे में हो जाएगा आपका। देन मैं आपको बात कर रहा था ग्रामर चेक या प्रूफ रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, सो स्कॉलर्स कैन आल्सो चेक ग्रामर और डू ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग ऑफ देयर रिसर्च वर्क्स यूजिंग ऑनलाइन टूल्स, फॉर एग्जांपल ग्रामरली, राइट चेक और ट्रेन का एटसेट्रा आर फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट विच यू कैन डाउनलोड एंड विच यू कैन यूज, एंड दिस विल बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल फॉर योर रिसर्च वर्क because it gives not only grammatical mistakes, spelling mistakes, but it also suggests you the structure of the entire content, kaise aapko sahi hoga grammatically, kaise aapka effective hoga, wo sare suggestions is pe dete hain. To iske liye ha iske bare mein thoda sa bata de ki Grammarly, from grammar and spelling to style and tone, Grammarly helps you eliminate writing errors and find the perfect words to express yourself. You will get real-time feedback from Grammarly on Gmail, Google Docs, Twitter, LinkedIn and nearly everywhere else you find yourself writing. ये जब एक बार आप अपने सिस्टम में या इसमें आप डाउनलोड कर लेंगे क्या कहते हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो क्या करेगा आप जब कभी भी कुछ लिखेंगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे Grammarly के नीचे रेड ये लाइन है, अंडरलाइन किया हुआ है, इनके हिसाब से ये ग्रामरली ठीक नहीं है, बट ये नाम है ये सही है इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया है। अगर कहीं ये स्ट्रक्चर में पूरे में ये कहीं कोई इसका सजेशन होता तो यहाँ पर भी ये इंडिकेट करता है और सजेशन साथ में देता है कि किस तरह से आप उसको सही तरह से लिख सकते हैं। सो इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप सीधा इसमें गूगल में जाइए, यहाँ पर ग्रामरली टाइप करिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ग्रामरली टाइप करने के बाद यहाँ पे grammarly.com है, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको अग्री करना है एंड साइन अप करना है अपना ईमेल एड्रेस देके, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में पूछेगा ग्रामरली फॉर क्रोम, तो आप ऐड क्रोम कर दीजिए तो ये आपके ब्राउजर के साथ लिंक हो जाएगा और उसके बाद ये आपका काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे, नहीं ये भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, हाँ देख रहे हैं, सॉरी ये आप देखिए ये नीचे, सॉरी ये यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, एक सेकेंड,
तो वहां ये अंडरलाइन करके बताता है कि कहां पे आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं. जैसे इफ यू कैन सी, आई कैन अश्योर यू दिस वोंट इफेक्ट आवर टाइमलाइन. तो यहाँ ये राइट हैंड साइड पे एक ग्रीन उसमें देखिए हाईलाइट किया हुआ है, अफेक्ट मीन्स ये आपने इफेक्ट गलत लिखा है, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाई अफेक्ट. तो ये ग्रामरली इस तरह से आपको हेल्प करता है आपके इंग्लिश राइटिंग में. तो जब आप अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं अगर वहाँ कुछ ग्रामेटिकली या स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है तो ये उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है और फिर आपको सजेस्ट करता है कि कैसे आपको उसको करेक्ट करना है. सो आई होप ये बैकग्राउंड वाला पोर्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. नाउ द मेन प्रेजेंटेशन जो हमारा था वो हाउ टू राइट द सिनॉप्सिस एंड द डिसर्टेशन, ये मेन थीम था. लेकिन चूंकि बैकग्राउंड बताना जरूरी था बिकॉज दे ऑल आर यू नो वेरी मच असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड टू योर डिसर्टेशन, योर रिसर्च वर्क. दैट्स वाई आई हैव ट्राइड टू टच अपॉन वेरी ब्रीफली, नॉट एग्जॉस्टिवली, बट आई थिंक इट हैज बीन you know I have been able to make you understand about all those things, academic integrity and research ethics, then plagiarism, how to avoid those things. And now I will discuss how to write the synopsis. So before that, let us understand what is dissertation and what is its purpose. So dissertation is the final project that the master's degree or MPhil degrees students present before getting their final degrees. ये एक essential है, आपको जमा करना होता है. So master's degree in library and information science, that is MLIS program, comprises 6 core courses and 2 elective courses. You all must be knowing it. In addition to theoretical, practical and seminar components of these courses, students of MLIS program has to submit a project dissertation, MLIP 002, which is considered as a 4-credit full course of 100 marks. And the purpose of this project is to provide an opportunity to the students to apply the knowledge they have gained during the course of their study and to develop certain skill in the areas of various courses of this program. So with this intention, with this purpose, the dissertation is a topic of dissertation is given to you so that you can apply your knowledge, you can apply your skill in writing those things. And then the objective of the project is, the general objective of the project or dissertation is to help learner to develop research skills. क्योंकि आपके पास अगर रिसर्च स्किल, इससे पहले शायद आप लोगों ने कभी कोई डिजर्टेशन सबमिट नहीं किया होगा क्योंकि बिलीव लेवल में होता नहीं है. उससे पहले जो आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर भी नॉर्मली जनरल कोर्स में कोई ऐसा नहीं डिजर्टेशन या थीसिस होती है. To solve research problems through scientific method of investigation, to develop writing, presentation, communication and analytical skills, develop ability to apply multidisciplinary concepts, tools and techniques, and to solve problems of libraries, information centers, knowledge centers and similar other organizations. So within this framework, MLIP 002 has the specific objectives, which are to identify and formulate research problems, write a good research proposal, identify and use appropriate research methodology, conduct scientific investigation in a systematic way, collect and analyze data, and apply appropriate tool techniques and methods and statistics to the field of library and information science. देखिए इस पूरे इसका dissertation का मकसद ये भी होता है कि आपने जो कुछ पढ़ा है तो उस पढ़ने के दौरान और आप जब अब आगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे एज अ लाइब्रेरियन आपको अपने यूजर्स को गाइड करना होगा. कैसे कैसे आप रिसर्चर्स को गाइड करेंगे, तो जब आपको पता होगा तभी आप अपने स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को गाइड कर पाएंगे. और बहुत सारी क्यूरीज होती है यूजर्स की लाइब्रेरीज में जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे अगर इफ़ यू नो ऑल दिस टेक्निक्स. सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ project and dissertations. Now, types of project or dissertation work. So the project dissertation work may be of any of the types
एंड प्रेफरेबली फ्रॉम द इमर्जिंग एरियाज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपको किस तरह का रिसर्च करना है वो भी इन्होंने बता दिया है आपके ही, उससे हमने गाइडलाइंस से ये लिया है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजर इंटरफेस, इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, सो दीज ऑल आर एक्शन रिसर्च। इनके ऊपर टॉपिक्स भी बताए हैं, वो 33 टॉपिक्स बताए हैं जिसमें से आप कोई टॉपिक अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, जिस पर आप अपना डिजर्टेशन तैयार करके और अपना रिसर्च वर्क वो आप सबमिट कर सकते हैं। इंटर इंस्टीट्यूशनल स्टडी एम्ड एट इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज और इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस। देन कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी कवरिंग सिंगल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके ऊपर भी आप अपना डिसर्टेशन कर सकते हैं। देन यूजर सर्वे फील्ड स्टडी, ये एम्पिरिकल स्टडी के कैटेगरी में आता है, इसके ऊपर भी आप यूजर सर्वे कर सकते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स पे के कैसे कैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज किस तरह से यूजर यूज कर रहा है या उसका क्या इम्पैक्ट है, इस तरह का टॉपिक भी आप ले सकते हो। सर्वे ऑफ लिटरेचर इन एनी डिसिप्लिन, बिब्लियोग्राफिक या बिब्लियोमेट्रिक स्टडी। देन यूजर सेंसिटाइजेशन, इस पर भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इनका मेथड, टेक्निक्स एंड केस स्टडीज, इन सब के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट वर्क जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले तो आपको सिनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। तो इसमें से कोई एक आपको लिस्ट ऑफ एरियाज है जो टोटल मेरे ख्याल में 33 है, जिसके अंदर से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन इनिशिएटिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जब करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, क्या दिक्कतें पेश आती हैं, उसके ऊपर भी आप अपना केस स्टडी करके किसी लाइब्रेरी का उस टॉपिक को लेके आप जमा कर सकते हैं। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग, उसके ऊपर ले सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनकी कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर आप ले सकते हैं। देन लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज, कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज में जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया है या उनका नेटवर्क है, उसके ऊपर भी आप टॉपिक ले सकते हैं। देन डिजाइन ऑफ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्संस, इनके ऊपर भी आप विजुअली चैलेंज्ड पर्संस जो है, आंखों से जो लोग नहीं देख पाते हैं, वो लोग कैसे वेब बेस्ड सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे, जब वो देख नहीं सकते हैं तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर भी आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो सुनने के माध्यम से किस तरह से सर्विसेज को जो है वो लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप ले सकते हैं टॉपिक। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट बेस्ड कॉमन गेटवे, इंटरनेट बेस्ड कॉमन गेटवे जो होता है उसके ऊपर ले सकते हैं। देन स्टडी ऑफ कैंपस वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, इंपैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, स्टडी ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड इन द knowledge process outsourcing industry, study of metadata practices in digital repository, then development of a special classification scheme on open and distance education, development of thesaurus on open and distance learning, study of marketing strategies in electronic information products, study of technical writing based upon software package, style guides, etc. used in the software industry, information seeking behavior of different types of users, इसके ऊपर भी लिया जा सकता है। development of internet based learning management system, bibliometric, scientometric या webometric studies, preservation and conservation of library materials, उसका किसी भी library का case study आप कर सकते हैं। impact of electronic publishing in different types of libraries, जो different types of libraries है उसमें electronic publishing का क्या impact है ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉरी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो डिफरेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जैसे आईएलई इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है या और दूसरे जो है आईटीएस वगैरह टीचर्स की एसोसिएशन, उनके बारे में आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोजिटरीज फॉर स्कॉलरली मटेरियल्स, जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज है उसके बारे में भी आप अपना रिसर्च उस पर भी कर सकते हैं। सेल्फ आर्काइविंग ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ स्पेशल क्लासिफिकेशन स्कीम, इम्पैक्ट ऑफ ई जर्नल्स उसके ऊपर कर सकते हैं। द यूसेज पैटर्न ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स, ऑनलाइन जर्नल्स का किस तरह से या
या उसका उसके मतलब उसका कंपैरिजन आप कर सकते हो प्रिंटेड जर्नल से. कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन कंसोर्शियम बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं. उसके बाद एनालिसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इंडिया. क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर आप कर सकते हो, लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स में किस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट का अप्लीकेशन हो रहा है. देन इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन प्रेजेंट सोसाइटी या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, वेब इंडेक्सिंग, एंड फाइनली स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स ऑफ एनी इमर्जिंग एरियाज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन. सो दीज आर यू नो दे हैव गिवन multiple options out of your choice. You can, as per your choice, you can select any one of the topic in which you are comfortable. So with the consultation with your supervisor, you can take any of the topic and you can start working on it. And उसके बाद आप जब आपका dissertation हो जाए तो उसको आप submit कर सकते हैं. फिलहाल आपका ये मतलब सेशन इसलिए रखा गया था, ये वर्कशॉप, ताकि आपको एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो कि किस तरह से आपको काम करना है. क्योंकि आप जब आप आखिरी वक्त में जाएंगे तो सुपरवाइजर के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें ये आपको डिटेल्स में तफसील से बताएं, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है. तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो बस आपको करना क्या होता है कि आप एक कोई सुपरवाइजर तलाश कीजिए और उसके बाद आप उसमें भी हम बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि कौन सुपरवाइजर बन सकते हैं, वो सब बातें भी अभी हम आपको बताएंगे. सो सिनॉप्सिस और प्रपोजल फॉर्मुलेशन, अब जो मेन टॉपिक है, सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद द सुपरवाइजर. जैसा कि हमने बताया कि सिनॉप्सिस जो बनाना है वो आपको सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करके बनाना है. फिलहाल तो अभी आप कोई भी टॉपिक पर, जिस पर भी आपको लगे, उस पर आप एक प्रिलिमिनरी सिनॉप्सिस बना लीजिएगा. बाद में जब आपको वहां जमा करने की बात होगी तो उस पर आप बाद प्रॉपर ढंग से बना के सुपरवाइजर के साथ मिलके बात करके, जिस पर वो कहें उस पर आप बना के जमा कर दीजिएगा. द सिनॉप्सिस शुड क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट स्टडी टू बी अंडरटेकन. जो आपकी सिनॉप्सिस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिविटी है आपका रिसर्च करने का, क्या मेथडोलॉजी आप यूज करेंगे, और किस तरह का आपका प्रोजेक्ट होगा, डिजर्टेशन होगा, है ना. वो सारी चीजें आपको हम डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है. इट शुड हैव फुल डिटेल्स ऑफ रैशनल सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड, लिमिटेशंस इफ एनी, एंड फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर फर्दर रिसर्च. द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी सबमिटेड इन A4 साइज पेपर typed in double space along with the consent letter of the supervisor that has been given in appendix 3 of your guidelines issued by the IGNOU and the performa appendix 2 for approval. Iske sath aapko appendix 3 ka wo nikal ke supervisor ka jo details hai wo dena hai aur ek performa jo appendix 2 mein hai usko dena hai. To isme consent hoga unka. Ye baad mein aapko jab aap synopsis के साथ जमा करेंगे तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें डिटेल्स जमा करनी होगी. अ लर्नर कैन सेलेक्ट अ सुपरवाइजर ऑफ हिज और ओन चॉइस. आप अपने चॉइस से कर सकते हैं, बट उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि उनका क्या क्वालिफिकेशंस होगा सुपरवाइजर का, और गाइड का किस तरह की क्वालिफिकेशन होगा. तो सुपरवाइजर शुड हैव PhD इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद, अगर ये PhD नहीं है तो मास्टर्स डिग्री भी चलेगा, लेकिन उसके साथ 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स का. एंड उसके साथ ही एक कंडीशन और है कि उसको लेक्चरर्स ग्रेड में होना चाहिए. उसके बाद BE या BTEC कंप्यूटर साइंस या MCA में हो विद मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस इन अ रिप्यूटेड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड सिमिलर ऑर्गन. BE BTEC भी चलेगा, MCA भी चलेगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है 2 साल का वो लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर्स का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो वो भी सुपरवाइजर बन सकते हैं, नहीं, उनकी कंडीशन ये अलाउ नहीं करेगी जो इग्नू की कंडीशंस है. तो कई बार होता है जैसे MCA किसी ने कर रखा है और वो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट होते हैं लाइब्रेरी में भी, तो अगर उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी में
so he can also become your supervisor or guide. A student may choose his her supervisor according to his her choice. ये तो पहले ही बताया जा चुका है. The proposal should be accompanied by a biodata of the supervisor duly signed by him or her. जब आप अपने बायोडाटा सुपरवाइजर का बायोडाटा लगाएंगे तो उसके साथ उनका मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा. द नेम्स ऑफ द एक्सटर्नल गाइड सुपरवाइजर्स विल बी अप्रूव्ड बाय द फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बिफोर द स्टडीज अंडरटेकन. तो जब ये आप का जब जब जमा करेंगे तो इसको ये फैकल्टी जो है लाइब्रेरी साइंस की इग्नू की बाहर का अगर आप कोई लेते हैं तो उसको वो अप्रूव करेगी, क्योंकि विदाउट अप्रूवल वो नहीं हो सकते हैं. कोई अगर इग्नू के इम्पैनल है पहले से तो ठीक है, उनके केस में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप बाहर से लेते हैं तो उनको अप्रूव करेंगे वो सुपरवाइजर. सुपरवाइजर अ सुपरवाइजर गाइड कैन सुपरवाइज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 स्टूडेंट्स एट अ टाइम. एक वक्त में वो 5 लोगों को ही सुपरवाइज कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. तो ये भी ध्यान रखना होता है, ऐसा ना हो कि कोई किसी सुपरवाइजर के पास 5 लोग ऑलरेडी डिसर्टेशन कर रहे हैं या एक ही साथ उन्होंने 6, 7, 8 ले लिया, तो उस केस में 5 ही लोगों को अलाउ करेगी यूनिवर्सिटी, उससे ज्यादा को नहीं करेगी. मैडम शालिनी जी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ. यस सर आवाज आ रही है. जी जी ठीक है, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ बीच में कि ऑनलाइन में क्या हुआ कि एक बार कोई साहब 1.5 घंटे का लेक्चर देने के बाद मालूम हुआ कि वो किसी वजह से ऑफलाइन हो गए थे, तो ये एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना. तो हमने सोचा कि एक बार बीच में पूछ लें. और यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें ना? अब आपको बताई जाएगी, एक एक चीज आपको बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन एंड अप्रूवल की, कि इसमें भी ये सब गाइडलाइंस है. देखिए इनको हम इसलिए बता रहे हैं, उस वक्त शायद कई बार मैंने देखा है बच्चे पढ़ते नहीं है ये गाइडलाइंस को, और वो एक एक स्टेप अगर कोई भी स्किप हो जाता है, छूट जाता है कहीं से, वही एक बार आपको प्रॉब्लम करता है, तो वो बाद में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये सारी चीजें आपको विस्तार में बताना चाहते हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए. सो स्टूडेंट शुड सेंड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा अलोंग विद 1 copy ऑफ द सिनॉप्सिस एंड बायोडाटा ऑफ द सुपरवाइजर, जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि इनका, एंड अ कंसेंट लेटर टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर of MLIS, Faculty of Library and Information Science, School of Social Science, Academy Complex, जो इनका एड्रेस है वहाँ मैदान गली को भेजना है. प्रपोजल इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे. इस तरह का अगर आपने फॉलो नहीं किया गाइडलाइंस तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा प्रपोजल. द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड कंटेन सेक्शंस ऑन बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम एटसेट्रा ऑफ द स्टडी. If the study is to be conducted on some population, the size of the population to be studied should be mentioned. अभी होता क्या है, आपने मान लीजिए कि लिखा कि भाई हम कोई यूजर स्टडीज करेंगे, है ना, या यूजर बेस्ड हम कोई भी किसी तरह की, बहुत तरह की स्टडीज होती है, वो आप किसी एक पर्टिकुलर सपोज कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप लेने जा रहे हैं, तो क्या है कि वहाँ पर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है उनका, तो आपको बताना होगा कि कितने परसेंट या कौन सा सेगमेंट आप ले रहे हैं यूजर्स पॉपुलेशन का. मतलब यह है कि जैसे यूजर तो टीचिंग फैकल्टी भी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं, नॉर्मली रिसर्च यही लोग करते हैं, तो रिसर्चर्स और फैकल्टी ये दोनों को अगर आप ले रहे हैं तो कितना कितना परसेंट लेंगे, क्योंकि देखिए जब जब पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होगा तो आप सबका तो भरवा नहीं पाएंगे, क्वेश्चनेयर बेस्ड है आपकी अगर स्टडी तो आप वहां पर अपने सिनॉप्सिस में ये डिफाइन करेंगे कि आप 5% या 10% कितना आप ले रहे हैं टोटल पॉपुलेशन साइज का. ठीक है, स्टूडेंट्स इज एडवाइज टू रिटेन अ कॉपी ऑफ द सिनॉप्सिस, एक कॉपी अपने पास रखेंगे. प्रपोजल्स नॉट अकम्पनाइंग एवर पेपर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अप्रूवल. आपने अगर वो सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है वो इसके साथ संलग्न नहीं किया, अकम्पनाई नहीं किया, तो वो कंसिडर्ड नहीं होगा. सबमिट द प्रपोजल बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, जो लास्ट डेट है वो ध्यान में रखते हुए उससे पहले ही आप जमा कर दीजिए, नहीं तो बाद में फिर मुश्किल हो जाएगा.
उसके बाद क्या करती है यूनिवर्सिटी, कम्युनिकेशन ऑफ अप्रूवल एंड रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल. सो रिटन कम्युनिकेशन रिगार्डिंग अप्रूवल नॉन अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी सेंड टू द स्टूडेंट्स एज पर शेड्यूल मेंशन्ड एट सेक्शन 4.7 ऑफ दिस प्रोजेक्ट गाइड. जो आपको प्रोजेक्ट गाइड दिया गया है उसके सेक्शन 4.7 में ये दिया गया है शेड्यूल सब चीज का कि कब तक आपको जमा करना है, कब तक आपका वो अप्रूवल हो जाएगा, कब अगर कोई सजेशन है तो वो रीसबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल किस केस में होगा. इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल द कमेंट्स सजेशंस फॉर रीफॉर्मुलेटिंग द प्रोजेक्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स. तो अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आपको एक रिमार्क्स के साथ वापस आपको मेल कर दिया जाएगा या बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा कि क्यों नहीं हुआ आपका और या इसमें क्या सजेशंस है, कुछ अगर कुछ और इनकॉर्पोरेट करना है तो वो आपके पास आपको वापस मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से लिख करके डिटेल्स कि आपको क्या करना है. इन सच अ केस द रिवाइज्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस शुड बी सबमिटेड विद अ फ्रेश प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्म, वो अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है, अलोंग विद अ कॉपी ऑफ द करेंट प्रपोजल फॉर्म बेयरिंग द कमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तरफ से जो आपके पास कमेंट लिख के आए हैं कि क्या करना है इसमें सुधार, क्या उसमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी, उसके साथ आपको एक नया फ्रेश प्रपोजल वो सब जो इनकॉर्पोरेट करना है आपको वो करके फिर आपको भेजना होगा. देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजर्टेशन वर्क उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये उस गाइडलाइंस में है इसलिए अभी ये भी बता दूं आपको कि द फाइनल रिपोर्ट शुड बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. ये फॉर्मेट होगा फाइनल रिपोर्ट का, सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिनलिटी इसका एक फॉर्मेट आपको मिलेगा. सो एज पर दैट फॉर्मेट आपको वो लगाना होगा पहले एक तो इससे पहले एक टाइटल पेज भी लगता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट टेबल ऑफ कंटेंट प्रीफेस ऑप्शनल है, वो जरूरी नहीं है कि आप प्रीफेस लिखें. इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी देन रिसर्च मेथोडोलॉजी विच विल इंक्लूड रिसर्च डिजाइन डेटा कलेक्शन मेथड सैम्पल साइज टूल यूज एंड मेथड टू प्रेजेंट डेटा देन एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स और फाइनली कंक्लूजन. उसके बाद आपको रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी देना है एंड अपेंडिसेस देना है अगर कोई आप क्वेश्चनेयर वगैरह है तो वो. ये स्ट्रक्चर होगा आपका प्रोजेक्ट या डिजर्टेशन वर्क का. उसके बाद जो मेन चीज है कि हाउ टू राइट दिस सिनॉप्सिस. अब सबसे पहले तो आपको इस प्रोजेक्ट के लिखने से पहले एक सिनॉप्सिस जमा करनी होगी तो उसका उसको कैसे लिखेंगे एंड सिनॉप्सिस होती क्या है. सो अ सिनॉप्सिस इज अ ब्रीफ समरी और ब्लूप्रिंट्स ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ योर रिसर्च वर्क विच कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स मीन्स क्या क्या आइटम उसमें होगा. सिनॉप्सिस जो है ये एक ब्लूप्रिंट है या एक समरी है आपके रिसर्च के बारे में, उसी का समझिए संक्षेप. आप जो आप करेंगे ना उसका संक्षेप में आप बता देंगे कि आप क्या क्या करने वाले हैं अपने रिसर्च वर्क में. तो पहले तो उसका एक टाइटल पेज होगा, ठीक है, आप किसके अंडर में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक लिया है ना, यूनू का प्रोग्राम है, वो भी एक फॉर्मेट होता है. वो हो सकता है मैं एक बार शेयर भी कर दूंगा जैसे मैडम को, वो कैसे सर्कुलेट कर पाएंगे आप लोगों को वो उसकी व्यवस्था मैडम देख लेंगी. देन चैप्टर वन जो है वो आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होगा. तो सिनॉप्सिस पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखते वक्त ज्यादा नहीं 2-5 पेज का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. वो कैसे लिखना है दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. दूसरा चैप्टर जो होगा वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होगा. उसमें 5 आर्टिकल ले लीजिए, ज्यादा ले लेंगे तो और भी अच्छी बात है. आपका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको 5 आर्टिकल लेने होंगे, वो 5 आर्टिकल का आपको रिव्यू लिखना होगा. कैसे लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको. उसके बाद आपका जो चैप्टर 3 है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है. सो वो उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड मेथोडोलॉजी, ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी. उसके बाद आपका चौथा चैप्टर जो होगा वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का होगा, जिसमें आप डेटा एनालिसिस आप या तो MS Excel या और कोई टूल आपके आप जानते हैं उसका उपयोग करते हुए तो आप उसको डेटा को एनालिसिस करेंगे. अगर वो डेटा ज़्यादातर डेटा से रिलेटेड होता है, क्वेश्चनेयर रिलेटेड हमारा वो होता है, रिसर्च वर्क होता है, तो वहाँ पर हमें फिर डेटा को
एनालिसिस करते वक्त एमएस एक्सेल यूज करें, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह से बड़ा कंबर्सम जॉब है। बेटर है कि आप एमएस एक्सेल यूज कीजिए, तो उसमें फायदे ये भी हैं कि उससे आप ग्राफ वगैरह भी आसानी से बना के दिखा सकते हैं, तो वो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और उससे एक अच्छा इंप्रेशन होता है जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी सिनॉप्सिस देखेगा या जो आपका डिजर्टेशन देखेगा, क्योंकि वो डेटा बहुत आसानी के साथ समझ में आता है इफ यू आर यूजिंग एनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल्स। उसमें आप चाई पार्ट या पाई चार्ट या ये आप यूज कर सकते हो ग्राफ्स। उसके बाद आपको फाइनली फाइंडिंग सजेशन एंड कंक्लूजन लिखना है कि किस तरह से क्या होगा, और फाइनली रेफरेंस जो भी आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखते हुए आर्टिकल पढ़ेंगे या आपके जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होंगे, फर्ज कीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 आर्टिकल आपने लिया, तो उन सब का रेफरेंस आप यहाँ आखिर में देंगे और वो आपका APA स्टाइल में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन स्टाइल में होगा। ये भी हम आपको बताएंगे कि ये इसका स्टाइल कैसे लिखा जाता है, क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। अगर आपने दूसरा किया तो वो भी एक दिक्कत कर सकता है, कहीं से आपको प्रॉब्लम रहेगी, तो वन बाय वन हम ये सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद जो आपका ये तो सिनॉप्सिस की बात होगी, डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही पार्ट असल में देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिनॉप्सिस में भी यही चीजें लिखनी है और फाइनल डिजर्टेशन के टाइम भी यही सब चीजें फॉलो करनी है आपको। ओनली थिंग इज थोड़ा सा उसमें चेंजेस ये होगा कि इंट्रोडक्शन अभी जैसे आप 5 पेज का लिख रहे हैं, उस वक्त आपको 20-30 पेज का लिखना होगा जब फाइनल आप डिजर्टेशन सबमिट करेंगे। तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी होगा वो टेंटेटिव चैप्टराइजेशन होगा, टाइटल पेज, परफॉर्मा ऑफ MLIS, सिनॉप्सिस अप्रूव्ड। ये देखिए यहाँ पर भी आपको जो आपके अप्रूव होके आएगी वो अप्रूव्ड लिखा हुआ होता है उनकी तरफ से, कोऑर्डिनेटर के आई थिंक इग्नो जो यूनिवर्सिटी है वहां से आएगा, वो आपको यहाँ लगाना होगा आपके फाइनल डिजर्टेशन में। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, जैसे कि उसका एक फॉर्मेट है वो साइंड होकर लगेगा। उसके बाद आप एक एक्नॉलेजमेंट लगाएंगे। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होगा कि आपके क्या क्या कैसे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, कहाँ से कहाँ तक पेजेज हैं आपके, इंट्रोडक्शन कैसे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो सारी चीज़ें डिटेल्स उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स का होगा। फिर पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन होगा जो 20-30 पेजेज का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होगा। यहाँ पहले जब हमने सिनॉप्सिस की बात की थी वहाँ 5 आर्टिकल लेना था, यहाँ कम से कम आप 20 आर्टिकल लीजिए, जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा आपका रिसर्च समझा जाएगा, बिकॉज वो देखेंगे ये समझेंगे कि भाई, और लेकिन उसको पढ़ना भी होता है कि भाई आपने इतना सारा इस टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था अपने रिसर्च वर्क के लिए, उस पर आपने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं और फिर जाके ये आपने पूरा अपना डिजर्टेशन लिखा है और उसको ध्यान में रखते हुए लिखा है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उसमें उतनी नई बातें आपको सामने आएंगी, क्या क्या मेथडोलॉजी यूज हुआ, किस तरह से उसको डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, क्या उसका आउटकम रहा, क्या फाइंडिंग्स रही, ये सारी चीज़ें, क्या टूल्स यूज किए अलग अलग रिसर्च वर्क में, ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ेंगे उस डिजर्टेशन के टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा, स्कोप एंड लिमिटेशंस होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी एटसेट्रा। देन चौथे उसमें होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें भी सेम वही आपको टूल यूज करने होंगे जो भी आप इंटरप्रिटेशन के लिए करना चाहें, चाहे MS Excel या कोई और रिसर्च टूल आपके उस स्टडी से रिलेटेड है, जैसे नोवा वगैरह क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज होता है, टी टेस्ट वगैरह होता है, तो कोई और आप फेमिलियर हैं या आपके सुपरवाइजर आपको गाइड करते हैं कि ये टेस्ट ये टूल्स यूज कर सकते हो, तो फिर आप उस टूल को यूज करेंगे और उस आधार पर अपना आप डेटा का एनालिसिस करेंगे। चैप्टर 5 जो होगा वो आपका फाइंडिंग सजेशन एंड कंक्लूजन का पार्ट होगा, जो आधारित होगा इस पे कि आपने जो स्टडी की उसके आधार पे आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, क्या आपके सजेशंस हैं और क्या कंक्लूजंस हैं। फिर फाइनली वही आपका रेफरेंस बिब्लियोग्राफी, वो APA स्टाइल में 7th एडिशन से होगा। और आखिर में अपेंडिसेस जो होगा वो कॉपी ऑफ क्वेश्चनायर, अगर आपका क्वेश्चनायर बेस्ड है तो वो क्वेश्चनायर भी इसके साथ लगेगा जो आपने क्वेश्चनायर फॉर्मुलेट किया है डेटा कलेक्शन करने के लिए, अपने रिसर्च पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चनायर बनाने पड़ते हैं,
उसी के हिसाब से आपको यूजर का सर्वे करेंगे ना। तो हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, अब हम एक एक पार्ट पे आ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए। अब कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं होता है कि उनको क्या इंट्रोडक्शन में क्या लिखें हम, क्योंकि ऐसे केसेस आमतौर पे आते हैं हमारे पास। तो फिर हम उन लोगों को बताते हैं कि देखिए बेसिकली द इंट्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द टॉपिक यू हैव चोजन। आपने जो टॉपिक लिया है उसके आधार पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना। अगर मान लीजिए आपने लिखा है कि ई रिसोर्सेस, यूसेज ऑफ ई रिसोर्सेज इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आपने लिखा मान लीजिए लाइब्रेरी, अब आप ई रिसोर्सेज पे आर्टिकल पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे, वहां से आप ई रिसोर्सेज के बारे में सारी चीजें लिखेंगे, कैसे क्या हिस्ट्री रही है उसकी, किस तरह से क्या क्या ई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या एडवांटेज है उसका, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीजें आपको वो लिखना चाहिए। उसकी जितनी चीजें भी हो सकती है 20-25 पन्नों में आप उसको लिख दीजिए। उसमें एक चीज और शामिल करना होता है इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर आपका जो रिसर्च वर्क है, सपोज कीजिए कि यूसेज ऑफ ई रिसोर्सेज इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहा, तो हम उस ई रिसोर्सेज के बारे में तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिखेंगे, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के बारे में, या फर्ज कीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, आपको उसके बारे में भी लिखना चाहिए कि उसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस तरह से ग्रो किया, क्या हिस्ट्री रही, क्या सर्विसेज दे रही है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर होगा। सो 2-5 पेजेस आर एनफ फॉर सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस के लिए 2-5 पन्ना काफी है आपका। वेयर एज अगर आप फाइनल डिसर्टेशन लिख रहे हो तो 20-30 पेज सफिशियंट है, डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक एंड जो आपने सेलेक्ट किया है उसके आधार पर आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन देखिए इसमें है कि क्वालिटी सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मेंटेन रखना है, मगर अगर क्वालिटी के साथ साथ आपने क्वांटिटी भी रखा तो ज्यादा ऑब्वियसली वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। लेकिन क्वालिटी पर मेन आपको जो है वो फोकस करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है। अक्सर हमने देखा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर पार्ट में लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब रिव्यू कैसे लिखना चाहिए और रिव्यू होता क्या है, है ना। सो हाउ टू राइट द रिव्यू, दैट वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। सो एक्सप्लोर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक्स। आपको पहले तो आप नेट पे जाएंगे, आप उसमें अपना टॉपिक से रिलेटेड देखिए अलग अलग टर्म्स आपको डालने होंगे। जैसे फर्ज कीजिए हमने एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑन स्क्रीन आर्टिकल है यहाँ पे रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया साइंटोमेट्रिक स्टडी, इसको हमने एक एग्जांपल लिया है। अब इसमें क्या है कि साइंटोमेट्रिक स्टडी, बिब्लियोमेट्रिक स्टडी या साइटेशन एनालिसिस, ये सब जो है सिनोनिमसली टर्म्स यूज होते हैं। तो इस पर आप जितने भी आर्टिकल ढूंढ पाए, और हमेशा कोशिश करें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप करें तो वो लेटेस्ट आर्टिकल्स होने चाहिए आपके। सपोज इफ यू आर कैरिंग आउट योर रिसर्च इन 2021, सो ट्राई टू फाइंड आउट आर्टिकल्स ऑफ वेरी रिसेंट ओरिजिन, लाइक 2021 का हो, 2020 का हो, 2019 यानी 2019-20-21 के हो तो सबसे अच्छे, 21 के मैक्सिमम हो, और कोशिश करें कि ज्योग्राफिकली जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो जितना अच्छा आपका कवरेज होगा किसी भी चीज का, उतना अच्छा आपका रिसर्च वो जो है आपका कंसीडर किया जाएगा। सपोज कीजिए ये नहीं कि खाली आपने इंडिया का ले लिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, वर्ल्ड वाइड किस तरह के रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स विच हैव बीन पब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उससे आपके लिए काफी अच्छा आपका इंप्रेशन होगा। और इस तरह से क्या होगा कि आप जब अच्छे से लिख के भेजेंगे ना तो डेफिनेटली आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक बार में इट विल बी अप्रूव्ड एट वंस। वो जैसे ही आप भेजेंगे आपका अप्रूव होके आ जाएगा, फिर आप अपना कर लीजिए, बाकी भी आपको पता है कैसे करना है, फिर उस वक्त भी आप अपना जमा करिए।
भाई 15 दिन से 20 दिन में आप जमा कर सकते हैं, ऐसा भी हमने देखा है 15-20 दिन में लोग बहुत अच्छा लिख करके बहुत अच्छे से करके और जमा कर देते हैं, उनको अवार्ड हो जाती है, बहुत अच्छा वर्क हो जाता है। सो द रिव्यू शुड इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी हैज बीन कंडक्टेड अर्लियर एंड बाय हूम एंड व्हाट वाज द मेथोडोलॉजी और रिसर्च एंड व्हाट वाज द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी। यानी आपको जब रिव्यू लिखेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आपको शामिल करनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्या लिखना है उसमें लिखना है। पहले तो ये आप सर्च करेंगे आर्टिकल के आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या क्या रिसर्च हुआ है, ठीक है, उसके अंदर वो किसने लिखा है, कब लिखा है ना, यानी ईयर। उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, आप देख पा रहे होंगे 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है एंड उसमें क्या मेथडोलॉजी यूज हुई है और उसका रिजल्ट क्या रहा, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी है व्हाइल राइटिंग योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इतनी चीजें आप लिख देंगे तो सबसे पहले उसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारा एक टॉपिक है, आर्टिकल हमने लिया है रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया असाइंटोमेट्रिक स्टडी, इस पे बेस्ड हमने 2 रिव्यू किया। एक ये देखिए BS बिरादर, तो इसमें क्या है कि पहले सरनेम आप लिखेंगे फिर उसको कॉमा करके उसका BS बिरादर और किस ईयर में वो पब्लिश हुआ है वो आप यहाँ पे विद इन ब्रैकेट करके, उसके बाद उन्होंने क्या स्टडी किया, स्टडीड द आर्टिकल पब्लिश्ड इन, ये बेसिकली आर्टिकल्स का स्टडी किया उन्होंने, इंडियन जर्नल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंडियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो आर्टिकल पब्लिश हुए कब से कब तक, वो 1994, 1999 और 2004, ये 3 सालों का उन्होंने स्टडी किया। द स्टडी फाउंड दैट टीम रिसर्च इज प्रेफर्ड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस रादर देन सोलो रिसर्च, यानी इंडिविजुअल रिसर्च ना हो करके टीम रिसर्च को प्रेफर किया गया है। इस पेपर से ये पता चलता है द डिग्री ऑफ कोलोबरेशन वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड इज फाउंड टू बी 0.78 to 0.95, the overall degree of collaboration is calculated and found to be 0.85. the study also found that on an average 11.595 references are referred to by each article. major contribution is made by universities, that is 31.622%, followed by colleges, that is 24.05%. it is also observed that the proportion of the single author papers have decreased from 20.290% in the year 1994 to 4.762% in the year 2004. So this is how the review of literature is written. ये structure आप लोग follow करना, सबसे पहले आप क्या करेंगे जो भी article आप, लेकिन इसका जो है reference में सारे details आएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ आपके ऑथर आ गए और ईयर आ गए, लेकिन जब आप रेफरेंसेस का देंगे रेफरेंसेस पार्ट में वहां पे आपको पूरा डिटेल्स देना होगा कि ये ऑथर है, ये ईयर है, ये किस जर्नल, उसका क्या टाइटल था इनके रिसर्च आर्टिकल का, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, क्या उसका वॉल्यूम था, क्या उसका क्या कहते हैं कि इशू नंबर था, कहाँ से कहाँ तक पेजेस थे, हाँ ये सारी चीजें आपको वहां पर रेफरेंसेस में देना है। दूसरा हमने लिया है यहाँ पे, दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा वो है योगेंद्र सिंह। सिंह चुके जो ऐसे होते हैं ना हमारे, ये सरनेम नहीं होता इसलिए डायरेक्ट नेम है, डायरेक्ट नेम और सरनेम आपने पढ़ा होगा किस केस में सरनेम पहले लेते हैं किस केस में, जैसे शैलेंद्र कुमार, तो कुमार हमारा सरनेम नहीं इसलिए शैलेंद्र कुमार लिखते हैं, उसी तरह से योगेंद्र सिंह जो मेरे ख्याल में आई थिंक जो पंजाबी लोग होते हैं उनका सिंह टाइटल होता है, बट और जो लोग हैं नहीं उनका नहीं होता है, सॉरी बाकी लोगों का सिंह जो है वो सरनेम होता है, जैसे हमारे यूपी बिहार वगैरह में जो सिंह होते हैं उनका सिंह कॉमा योगेंद्र होता है, बट ये सिंह ये पंजाबी हैं तो उनका जो सिख लोग होते हैं उनके यहाँ ये सरनेम नहीं होता है। तो ये योगेंद्र सिंह एंड गुप्ता बी एम, ये दो ऑथर ने 2005 में एक स्टडी करी है, स्टडीड दी क्वांटिटेटिव प्रोफाइल ऑफ अ रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट विद अ व्यू टू गेट आइडिया अबाउट इट्स मेजर रिसर्च कंट्रीब्यूशंस परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अ नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हैव बीन यूज्ड फॉर स्टडीइंग द
the relative performance of institute across various subjects, they concluded that, देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि क्या स्टडी करी, किस तरह के उन्होंने टूल्स यूज किए, एंड देन व्हाट दे फाउंड, दे कंक्लूडेड, मतलब क्या उनका कंक्लूजन रहा स्टडी का, दे कंक्लूडेड द थ्री सब्जेक्ट्स नेमली मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन, ऑल्दो कंट्रीब्यूटिंग ए स्मॉलर नंबर ऑफ पेपर्स, सिक्योर्ड फर्स्ट थ्री रैंक्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज नॉर्मलाइज्ड इंपैक्ट फैक्टर पर पेपर, दे हैव ऑल्सो डन फेयरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कोलाबरेटिव पेपर्स with the exceptions of clinical medicine. These three fields have performed the best in terms of publications effectiveness index. तो ये जो total outcome रहा इस paper का, वो सारी चीजों का इन्होंने इसमें जिक्र किया है कि क्या study करी, क्या क्या tools use किए, and on the basis of applying that tools, what was the outcome of the study. तो ये चीजें ये इसी structure में इसी को follow करते हुए आपको review लिखना है अपना सारे रिसर्च का या सिनॉप्सिस का, इस तरह से आप करेंगे. मैंने देखा है बहुत सारे लोग, मैं आपको हो सकता है कुछ सिनॉप्सिस की कॉपी भी भेजूंगा तो मैडम शेयर कर देंगी, वो लोग कई बार क्या करते हैं यहाँ पर पेजेज लिख देते हैं, जैसे ये बिरादर कॉमा बीएस लिखा, वहाँ पर इतने से इतने पेजेज लिखा, वो स्ट्रक्चर सही नहीं है. तो आपको ईयर लिखना चाहिए इसके साथ, और फिर इस तरह से आपको इसका रिव्यू लिखना चाहिए. Then how to write the objectives. अब objectives लिखने में भी लोग गड़बड़ी करते हैं. होता क्या है कि आपने टॉपिक कुछ और लिया और आपने ऑब्जेक्टिविटी जो आपकी है स्टडी की, जो ऑब्जेक्टिव्स है वहीं पे आपने वो क्लियर नहीं है, तो वहां से आपका बहुत सारे रिजेक्शन हो जाएंगे या कमेंट्स लिख करके आएंगे कि इसको आप रिवाइज करिए अपने सिनॉप्सिस को. So objective is basically something that one's effort or actions are intended to attain or accomplish such as purpose, goal, target, etc. of the research. आपके रिसर्च का क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है ना, क्या पर्पस है, यही चीजें ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखना है और इसको बहुत क्लियर होना चाहिए. That should be corresponding with your topic you have chosen for your dissertation. Suppose कीजिए हमारे पास for example हमने यहाँ पे लिखा है रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ जामिया मिलिया और एनी अदर यूनिवर्सिटी, इफ यू आर टेकिंग सपोज कीजिए रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ डीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार और बीएचयू, व्हाटएवर यू आर टेकिंग. सो ऑब्जेक्टिव आप कैसे लिखेंगे कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर, क्या क्या आप करेंगे रिसर्च, वो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए. यहाँ पे आप लिखेंगे कि टू स्टडी द रिसर्च आउटपुट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च आउटपुट क्या है ना, रिसर्च परफॉर्मेंस क्या है, रिसर्च परफॉर्मेंस कहिए या रिसर्च आउटपुट कहिए, वो आप स्टडी करेंगे इसमें. उसके बाद टू स्टडी द साइटेशन पैटर्न्स ऑफ रिसर्च आउटपुट, कि साइटेशन पैटर्न क्या रहा है, किस सब्जेक्ट में कितने, किस जर्नल में कितने छपे हैं, किस में कितने हुए हैं. जस्ट एक सेकेंड, सॉरी. माफी चाहता हूँ, एक मिनट का ये हुआ. टू स्टडी द साइटेशन पैटर्न ऑफ रिसर्च आउटपुट, देन टू स्टडी द पब्लिकेशन पैटर्न ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन पैटर्न किस तरह से रहा है, कैसे साल, किस साल में कितना हुआ, किस जर्नल में कितना हुआ. द स्टडी ऑफ द ऑथरशिप पैटर्न एंड ऑथरशिप प्रोडक्टिविटी, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज के हैं, उन्होंने कितने कितने आर्टिकल लिखे हैं, वो सब भी आपको इस पे आप स्टडी करेंगे. देन टू स्टडी द सब्जेक्ट एरियाज ऑफ रिसर्च, किस किस सब्जेक्ट में आपकी आपकी यूनिवर्सिटी में कितना कितना उसका रिसर्च आउटपुट रहा है, वो सब आप इसके इसके द्वारा इस टॉपिक पर करेंगे. टू आइडेंटिफाई न्यू एंड पोटेंशियली सिग्निफिकेंट रिसर्च एरियाज, अब इससे ये भी पता चलेगा कि न्यू एंड पोटेंशियल एरियाज कौन कौन से हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिसर्च हो सकते हैं. टू आइडेंटिफाई रिसर्च ट्रेंड्स, अब रिसर्च ट्रेंड्स क्या है, जिसमें ज्यादा आपका पब्लिश हो रहा है जिस भी डिसिप्लिन में या जिस टॉपिक पे, वही तो आपका एक रिसर्च ट्रेंड्स होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी आप ये सब एनालिसिस करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसी पर आधारित आपका पूरा का पूरा डिसर्टेशन होगा. उसके बाद हम दूसरा एक लेते हैं ऑब्जेक्टिव, सपोज कीजिए कोई और टॉपिक पे हम लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक टॉपिक है
इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन, ये सब आपके जो हमने लिया है वो सब आपके टॉपिक से ही लिया है, जो, जो जिस पर सपोज किया जाता है कि आप इग्नू में अपना डिजर्टेशन जमा करेंगे. इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज, अ केस स्टडी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस तरह से आप उसको लिखेंगे. आप लिखेंगे टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज ऑन द एजुकेशनल सिस्टम. एजुकेशनल सिस्टम पे ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज का क्या इम्पैक्ट है, ये हम हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टडी करने का. टू आइडेंटिफाई द, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बिहाइंड इफेक्टिव ऑनलाइन सर्विसेज एंड डिजिटल रिपोजिटरीज ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी of this particular university, that is University of Bihar. To assess the wider impact of online library services, then to study the issues and challenges in implementation of online services of central library. So these will be the objectives of your study. If your study is based on certain university, maybe it could be any university. I mean, you know, here we have given the example of University of Bihar. You can take such type of you know, study of any of the university. तो हमने दो दो आपके लिए example लिया है ताकि आपको ये पूरी तरह से clear हो जाए कि objective क्या चीज़ होती है, कैसे हम उसको define करेंगे. ताकि ये नहीं कि आपने वो पूरा का पूरा paragraph लिख दिया, उससे कोई objectivity clear नहीं होगी और वो फिर यही लिख के आ जाएगा आपके पास. वो भी मैं आपको case studies बताऊँगा कि किस तरह के objections आते हैं इग्नू से. वो दो चार हमारे पास हैं तो रेडीमेड, तो जो हमने देखा है तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा. इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. देन हाउ टू राइट द स्कोप. सो स्कोप इज बेसिकली, स्कोप इज द एक्सटेंट ऑफ एरिया और सब्जेक्ट मैटर दैट समथिंग डील्स विद और टू विच इट इज रेलिवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह का ले रहे हैं टॉपिक रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया और एनी अदर यूनिवर्सिटी, सो द स्कोप would be the scope of the study is to understand the pattern of the research and citations of Jamia Millia Islamia since its inception or availability of data using a Scopus citation analysis. Since this study is based on Scopus data, Scopus हमारा जो है वो bibliographical database है, Scopus and Web of Science. तो ये study चुके की गई है Scopus based, इसलिए इसमें ये स्कोप लिखा गया है कि किस आधार पर हम इसका साइटेशन पैटर्न हम स्टडी करेंगे या रिसर्च परफॉर्मेंस स्टडी करेंगे. तो वो दैट इज बेस्ड अपॉन स्कोपस साइटेशन एनालिसिस एंड एज पर स्कोपस साइटेशन डेटा विद रिगार्ड टू जामिया इज अवेलेबल सिंस 1971 ऑनवर्ड्स. सो इन दिस डेटाबेस वी हैव फाउंड दैट the citation data is available from 1971 only. So prior to that, the university was established in 1920, but we do not find any data prior to 1971. So scope hamara jo hoga that will be limited to 1971 to the present. Present means agar abhi hum kar rahe hain to 2021 tak ka hoga. Ye hamara scope hoga. Uske baad hum दूसरा, अगर हम एक बात करें कि हमारा स्कोप, जैसे मिसाल दूसरी, अगर हम एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर हम दें, इस अगर हमारा ये टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज अ केस स्टडी ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. सो द स्कोप वुड बी, द स्कोप ऑफ द स्टडी इज टू असेस द स्टेटस ऑफ द ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज. अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज का करना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, स्टेटस ऑफ द ऑनलाइन सर्विसेज इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी at Central University of Bihar. लेकिन इसके साथ अगर आप मान लीजिए डिजिटल रिपोजिटरी का भी असेस करना चाहते हैं या उसको भी स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या डिजिटल रिपोजिटरी है यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि एंड डिजिटल रिपोजिटरी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. सो मीनिंग के आपका स्कोप भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लेने जा रहे हैं, किस तरह का करेंगे. अगर कोई लिमिटेशंस है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट विल बी लिमिटेड टू, मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई हम इंडियन यूनिवर्सिटीज ले रहे हैं, बट आप इफ यू आर नॉट टेकिंग, आपका टाइटल तो है इंडियन यूनिवर्सिटीज बट यू आर टेकिंग अ सेलेक्टिव स्टडी, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इट विल बी लिमिटेड टू 10 और 15 दिस यूनिवर्सिटीज ओनली. जो भी है वो आप नाम लिख देंगे.
नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको वो वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि योर स्कोप इज नॉट क्लियर. ठीक है, सो प्लीज इलाबोरेट और प्लीज डिफाइन इट क्लियरली. देन हम बात करेंगे कि हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस क्या चीज होती है, व्हाट इज हाइपोथेसिस एंड हाउ इट इज फॉर्मुलेटेड, कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यानी आप कुछ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे कि आप ड्यूरिंग द स्टडी आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं. सपोज कीजिए उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे हमारा टॉपिक था रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, तो उसमें हम हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट करेंगे वहां पर हम उसका हमने एग्जांपल लिया है कि पहली जो हाइपोथेसिस होगी H1 वो है जामिया मिलिया इस्लामिया हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स रिसर्च. ये हम हाइपोथेसिस हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब अपने माइंड में हाइपोथेटिकल आइडिया है कि इसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है रिसर्च में. ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करेंगे इसके परफॉर्मेंस पे जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, तो कि वेदर ये हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट. अगर ये सही है तो हम लिखेंगे कि यस इट इज द हाइपोथेसिस इज फाउंड करेक्ट, या हाइपोथेसिस जो है वो सही है उसने अचीव किया है. नहीं किया है तो वहां पर हम लिखे नहीं, ये नहीं मीट करता है ये रिक्वायरमेंट को. दूसरा जो है हमारा मोस्ट ऑफ द रिसर्च कंट्रीब्यूशंस हैव बीन मेड बाय द फैकल्टी मेंबर्स. अब ये हम हाइपोथेटिकली हमारा अभी हम सोच रहे हैं, हो सकता है कि फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ना हो बल्कि रिसर्च स्कॉलर्स की तरफ से हो या नॉन टीचिंग की तरफ से हो, बट यहाँ पर हमने एक हाइपोथेसिस रखा है कि ये ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशंस हैं इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस में जामिया के वो फैकल्टी मेंबर्स का है. तो जब हम डेटा एनालाइज करेंगे वहां हम इसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के दौरान हमारे को अगर सही पाया जाएगा कि हाँ जी उसमें नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हैव पब्लिश्ड मोर आर्टिकल्स देन द अदर रिसर्च स्कॉलर्स और अदर नॉन टीचिंग स्टाफ, तब तो ये सही है, नहीं तो हम वहां पे लिखेंगे कि हाइपोथेसिस जो हमारा था वो सही नहीं है, वहां पर हमने ये सोचा था लेकिन अभी जो उसका रिजल्ट आया आउटकम आया उसमें हमने ये पाया कि नहीं सर फैकल्टी मेंबर्स ने ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट किया बल्कि ये रिसर्च स्कॉलर ने ज्यादा किया. उसके बाद है द रिसर्च हैज बीन मोस्टली स्पॉन्सर्ड बाय द फंडिंग एजेंसी. अब जो भी रिसर्च हुआ है स्कोपस में जो भी डेटा है हमारे पास, हम ये हाइपोथेटिकली हम ये सोच रहे हैं कि उसको ज्यादातर जो है वो उसको स्पॉन्सर किया है किसी न किसी फंडिंग एजेंसी से. लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे जब डेटा का और वहां पर हम पाएंगे कि फंडिंग एजेंसी का भी आता है उसमें ब्यौरा कि कौन कौन से रिसर्च को किस किस फंडिंग एजेंसी ने स्पॉन्सर किया है, अगर हमें लगेगा कि नहीं भाई फंडिंग एजेंसीज मान लीजिए कि 5000 रिसर्च आउटपुट है, 5000 में से मान लीजिए कि 1000 हुआ तो ज्यादा मतलब बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, ये तो बहुत कम है. वहीं पर अगर 4000 से ऊपर है 3000 से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर ज्यादातर रिसर्च को फंडिंग एजेंसी ने स्पॉन्सर किया. उसी तरह से हम हाइपोथेसिस अगर लेंगे कि मोस्ट ऑफ द रिसर्च हैव बीन जॉइंट हैव जॉइंट ऑथरशिप, हमारा ये मानना है अभी कि ज्यादातर जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो एक से ज्यादा ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं. लेकिन जब हम एनालाइज करेंगे तो हम देख पाएंगे उसमें कि क्या उसमें सोलो ऑथरशिप है यानी एक ऑथर ने इंडिविजुअल ऑथरशिप ज्यादा है या वहां पर कंबाइंड या ज्वाइंट ऑथरशिप ज्यादा है, तो ये हमें टेस्ट करना होगा. उसके बाद देयर हैज नॉट बीन, अब देखिए ये नेगेटिव का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि नेगेटिव हाइपोथेसिस भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हो. अब हमने यहाँ पे कहा देयर हैज नॉट बीन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स. अब हमने एक हाइपोथेसिस लिया, हमारा ये हाइपोथेसिस है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट जो है वहां से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहे होंगे. अब हम इसको टेस्ट करेंगे, अगर हम उसमें देखेंगे कि नहीं साहब वो तो सेकंड नंबर पे है या फर्स्ट नंबर पे ही आ गया हमारे रिसर्च में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से सबसे ज्यादा हमारा वो कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पे हम फिर इनको बताएंगे कि नहीं जो हमने नेगेटिव हाइपोथेसिस ली थी वो गलत था बल्कि वहां पर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से सबसे ज्यादा या सेकेंड नंबर पे कंट्रीब्यूशन है. तो ये दो आपको हमने हाइपोथेसिस सबका मैं दो बता रहा हूँ, दो अलग अलग टॉपिक लेके, ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए माइंड में कि किस तरह से हमें
हाइपोथेसिस बनाना है या किस तरह से हमको उसको टेस्ट करना है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। और जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगा और आप बहुत आसानी के साथ होपफुली कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है, एक और हाइपोथेसिस का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज है, जो हमने टॉपिक हमारा जो था, जो ऑनलाइन सर्विसेज का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, उसका अगर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एकेडमिक एक्युमुलेशन ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी एट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बिहार। दूसरा है, द रिपोजिटरी होल्ड्स फाउंडेशन नॉलेज इन लर्निंग एंड टीचिंग। तीसरा है, मोस्ट रिपोजिटरी ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ सर्विसेज फ्रॉम असिस्टेंस विद डिपोजिट टू पर्सनलाइज्ड वेब पेज। तो ये सारे हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं बाद में, जब हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं और जब हम फाइनली अपनी थीसिस डिसर्टेशन लिखते हैं, तो उस वक्त फिर हम ये सारे हाइपोथेसिस, अभी तो सिनॉप्सिस पार्ट पे आप जो कुछ भी बनाएंगे वो सब क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका हाइपोथेसिस जो आपने टॉपिक लिया है उसके आधार पे है कि नहीं, उससे 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 मैच करता है कि नहीं करता है, है ना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देन इसके बाद हमारा आता है पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर रेफरेंस बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी पार्ट में भी लोग कई बार, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कौन सा स्टाइल फॉलो करें, कैसे करें, क्योंकि उनको हालांकि इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उनको कई बार बाद में लिखते हुए परेशानी फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए दो चार एग्जांपल्स हमने लिए हैं। प्रिपेयर योर रेफरेंस बिब्लियोग्राफी एज पर APA स्टाइल, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल, 7th एडिशन। अगर आप किताब से ले रहे हैं कोई रेफरेंस, तो देखिए आपको कैसे रेफरेंस नोट करके रखना है। उसका जो हमने एग्जांपल लिया है कि ये AC फॉस्केट की किताब है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1996। अगर आपने ये इससे कुछ रेफरेंस लिया है तो आपको ऐसे साइट करना है, ऐसे रेफरेंस देना है उसका, फॉस्केट कॉमा AC, विद इन ब्रैकेट आपको ईयर देना है उसका, पब्लिकेशन ईयर, फिर फुल स्टॉप देना है, फिर आपको उसका टाइटल ऑफ द बुक देना है, द सब्जेक्ट अप्रोच टू इंफॉर्मेशन। अब आप देखेंगे इसके राइटिंग स्टाइल में भी थोड़ा फर्क आपको नोटिस करेंगे। इसको आपको इटैलिक में लिखना है, इसका टाइटल, बुक का टाइटल, बाकी को आपको नॉर्मल में लिखना है। उसके बाद विद इन ब्रैकेट आपको, अगर कोई एडिशन है, ये 5th एडिशन है, सपोज कीजिए ये पहला ही एडिशन है, तब उस केस में देने की जरूरत नहीं होती है, जो पहली बार पब्लिश हुई है फर्स्ट एडिशन नहीं दिया जाता है। सेकंड है तो सेकंड आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद फुल स्टॉप दे के पब्लिशर का नाम आपको दे देना है, जैसे इसको लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पब्लिश किया है। तो आपको बुक का कभी भी हवाला देना है, रेफरेंस देना है, तो आपको ये सारी चीजें नोट करके रखनी होगी कहीं पे, वो नोट करना है आपको। ऑथर का जब आप साइट करेंगे तो आप पहले सरनेम करेंगे, फिर उसका फोर नेम करेंगे, फिर ईयर विद इन ब्रैकेट देंगे, फिर उसको फुल स्टॉप करेंगे, फिर देंगे, फिर उसके बाद उसका टाइटल लिखेंगे, विच शुड बी इन इटैलिक फॉर्म। उसके बाद आप अगर कोई एडिशन है अदर देन फर्स्ट, देन यू हैव टू गिव इन विद इन ब्रैकेट 5th एडिशन डॉट, उसके बाद पब्लिशर का नाम आप लिखेंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है बी एंडरसन, उन्होंने 1983 में ये किताब पब्लिश की। अगर हमने इसका एग्जांपल लिया है, हमने कहीं रेफरेंस लिया है, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, अगर इसके सब टाइटल्स हैं तो वो भी आप दे दीजिए कॉमा लगा के, रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, फुल स्टॉप, उसके बाद वर्सो, ये पब्लिशर है इसका। अब जर्नल्स का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इन दोनों चीजों में थोड़े से भिन्नता है, इसमें थोड़े से फर्क है, डिफरेंसेस, वो हम बताएंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि जर्नल का किस तरह से आपको रेफरेंस देना है। तो जर्नल्स, अगर इफ यू हैव टेकन सम इफ यू हैव रेड सम आर्टिकल्स एंड इफ यू वांट टू साइट देम, इफ यू वांट टू गिव द रेफरेंसेस, देन हाउ यू कैन गिव द रेफरेंस, किस तरह से आप देंगे, उसका क्या करेंगे। उस केस में भी एयर नीला मेघन है तो आपने आपको सबसे पहले नीला मेघन, चूंकि सरनेम है, कॉमा ए फुल स्टॉप, उसके बाद आपको विद इन ब्रैकेट उसका ईयर देना है फुल स्टॉप, उसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर जो आप आर्टिकल का अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं
तो टाइटल आपको इटैलिक में नहीं देना है, टाइटल क्या है आपको नॉर्मल ही रखना है, जो साइज है जो फॉन्ट है उसी में। एसआर रंगनाथन इंपैक्ट ऑन टूल्स फुल स्टॉप। अब आपका जो जर्नल का टाइटल है उसको आपको इटैलिक में देना है, ये जर्नल का नाम है इंफॉर्मेशन स्टडीज। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी चीजें देनी है, कॉमा करके ये आपका वॉल्यूम नंबर है 6 और विद इन ब्रैकेट आपको इशू नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा करके उसका पेजेज भी देना है कि ये आर्टिकल जो एसआर रंगनाथन इंपैक्ट ऑन टूल्स है ये कहां पर दिया हुआ है। तो ये जो है उस जर्नल में इंफॉर्मेशन स्टडीज में हमारा ये 77 पेज से लेकर के 80 पेज तक पर दिया हुआ है। उसके बाद एक टाइटल हमने अपना ही मेरा ही है, इसका मैंने एग्जांपल दिया है, हालांकि ये मैंने चुके उससे लिया था, तो थोड़ा सा ये है मेरा डायरेक्ट नेम एस अहमद कर दिया, इसलिए अहमद को इन्होंने फोर सरनेम समझ लिया है। बट एनी वे कहने का मकसद ये है कि इस तरह से आप दे सकते हैं, तो अहमद कॉमा एस विद इन ब्रैकेट ईयर ऑफ पब्लिकेशन देन इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ऑफ दिल्ली स्टडी, ये उसका टाइटल है जो कि जर्नल में छपा है, पर्ल जर्नल है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो वॉल्यूम नंबर 3 और इशू नंबर 4, 1-6 पेज पे। तो इस तरह से आपको रेफरेंस अपने देने हैं। इसमें अगर आप मेंडले यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब रेफरेंसेस जनरेट होते हैं, वो दैट आई विल शो यू इन आवर नेक्स्ट जो सेशन है हमारा विच इज टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। तो अब कुछ गाइडलाइंस है फाइनल, कैसे आपको सबमिशन करना है। फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिसर्टेशन शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल इन A4 साइज पेपर टाइप्ड इन डबल स्पेस इन अ बाउंड वॉल्यूम। कभी भी आप स्पाइरल करके नहीं जमा करेंगे, बाउंड वॉल्यूम में अच्छे से बाइंडिंग कराइए, क्योंकि अपीयरेंस ऑल्सो डज मैटर। अच्छे से अगर बाइंडिंग होगी, कोशिश कीजिएगा कि जो अच्छे से बाइंडिंग करता हो, एवरीवेयर यू कैन फाइंड लॉट ऑफ बाइंडर्स, और उनके सैंपल देख लीजिए कैसा डिसर्टेशन किसी का किया है, अच्छा लगे थोड़े से पैसे ज्यादा लगे कोई बात नहीं है, और प्रेजेंटेबल हो हमेशा। आप कोशिश कीजिए कि अगर आप इफ यू आर यूजिंग ग्राफ्स एंड फिगर्स तो कोशिश कीजिए कि कम से कम वो पार्ट आप कलर प्रिंट करा के लगाएं, तो अट्रैक्टिव होगा आपका डिसर्टेशन जो है ना, तो उतना अच्छा आपका प्रेजेंटेबल होगा और उसको उतना अट्रैक्ट करेगा लोगों को, और उसका एक दैट विल बी सर्टेनली नोटिस बाय एवरीवन। सेंड बाय इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पोस्ट या इंश्योर्ड स्पीड पोस्ट और बाय हैंड टू जो आपके द रजिस्ट्रार एसआर एंड ईडी इग्नू है मैदानगरी में, वहां भेजना है। ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, फर्दर आपको अपने सेंटर से भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा इस सब सिलसिले में, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये सब लिखा हुआ होना चाहिए प्रोमिनेंटली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLIS आपके एनवेलप पे। एंड जो है बिफोर बाइंडिंग द प्रोजेक्ट द स्टूडेंट शुड इंश्योर इट कंटेन्स द फॉलोइंग इन ओरिजिनल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, जो अप्रूव्ड हो वो आपको यहाँ जब आप सिनॉप्सिस जमा करेंगे तो वो आपको अप्रूव्ड अप्रूवल का एक कॉपी भेजेंगे, वो लगा होना चाहिए। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस होना चाहिए, सिनॉप्सिस भी आपको देना होगा जो अप्रूव्ड है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी वो अपेंडिक्स 4 में दिया हुआ है, वो भी इसके साथ कंटेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट शुड कीप अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अक्सर ये देखा गया है क्या होता है कि वो आपको रिटर्न चुके नहीं करेंगे, जो जमा हो गया वो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, तो इसलिए ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ दैट, क्योंकि बाद में फिर वो आपको नहीं मिलेगा। देन अब एक बस एक आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कैसे रिजेक्शन होता है, किस तरह का लेटर आता है। रिसेंटली मैंने देखा है एक स्टूडेंट का आया हुआ था कि उनका एक टॉपिक था यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम के ऊपर वो करना चाह रहे थे, तो उनका एक ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन ये आया इग्नू की तरफ से कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लाइब्रेरी सिस्टम हैज अ ह्यूज यूजर बेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स, यानी फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एंड अदर स्टूडेंट्स। सो यू हैव नॉट मेंशन हुम यू विल इंक्लूड इन योर स्टडी, आपने ये लिखा ही नहीं है, आपने सीधा यूजर स्टडीज बोला है मान लीजिए उसको। द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव मेंशन डू नॉट रिलेट टू योर स्टडी, प्लीज रिवाइज एंड सबमिट। अब देखिए इनकी खारिज नहीं किया है, अगर आपने बकवास बना के भेजा तब तो आउटराइटली आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको कहा जाएगा कि आप थॉरली रिवाइज करो।
लेकिन कुछ चीजें अगर सजेशंस हैं तो वो इस तरह के सजेशंस आते हैं कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेट नहीं करता है आपके जो आपने टॉपिक लिया है, तो इसको रिवाइज कीजिए कृपया और फिर से सबमिट कीजिए। और ये भी बताइए कि आपका सैंपल साइज क्या होगा, क्योंकि ये तो यूजर बहुत बड़ा उनका सैंपल साइज है, तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। योर रिसर्च, दूसरा एग्जाम्पल है जो आया है किसी का, योर रिसर्च प्रपोजल इज नॉट क्लियर, प्लीज रिवाइज थॉरली एंड रीसबमिट। अब उनका बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसको कह रहे हैं कि पूरी तरह से आप रिवाइज कीजिए और फिर से जमा कीजिए। तीसरे केस में द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज नॉट क्लियर, प्लीज रिवाइज एंड सबमिट। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं है क्योंकि उन्होंने पैराग्राफ टाइप में लिख दिया था, क्या करेंगे कुछ क्लियर नहीं है उसमें, बल्कि उसको पॉइंट वाइज आप लिखिए जैसा कि हमने आपको बताया है, उस तरह से आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एक बार में आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और है जो हमने देखा, वो है द टॉपिक डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द एरियाज ऑफ द स्टडी, रीसबमिट अ फ्रेश प्रपोजल विद अ न्यू टॉपिक। अब क्या होता है, लोग वो जो 33 टॉपिक दिया हुआ उसमें से ना लेके उन्होंने कुछ और में भी कुछ और इंटेंशन हो, उनको मार्केट में वही अवेलेबल है उन्होंने वही लिख दिया, या अज्ञानता की वजह से ड्यू टू इग्नोरेंस इग्नोरेंट अप्रोच दे हैव सबमिटेड इंटायरली डिफरेंट टॉपिक्स विच डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द सिलेबस और अंडर द परव्यू ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी एंड दे हैव सबमिटेड देयर प्रपोजल अकॉर्डिंगली, सो दैट इन दैट केस इट विल बी रिजेक्टेड एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू resubmit a fresh proposals. So I hope with that I conclude the today's session, and I hope I have been able to make you understand all these concepts, how to write the synopsis and how to write your final dissertations. So madam ab aapko kuch instructions dengi aur accordingly you have to follow their instructions. Thank you very much, madam. Thank you for giving me this opportunity. I'm thankful to Deepak ji, Aisha, Dr. Aisha, through whom we got connected with you people. And thank you, Vilas sir. Thank you, Madam Shalini, for giving me this opportunity. I hope I have been able to make justice with this topic and make it extend to everyone. Thank you very much. Thank you, sir. सुन पा रहे होंगे सर हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने बुलंदी से बोल रहे हैं आपको, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, सभी काफी खुश लग रहे हैं। मैडम एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर इनके जहन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है, इफ दे हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देयर क्वेश्चंस। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया, मैंने कोशिश किया कि इनको सब कुछ समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत लंबे समय तक बातें की हैं, कुछ देर में आपको आराम का भी दूंगी, आप थोड़ा सा पानी पी लें, चाय पी लें, फिर आप ये इनके सवालों का जवाब देंगे। तब तक ये सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनको कोई कंफ्यूजन या डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, सर उनको देख के एक कॉमन आंसर बताएंगे, क्योंकि सबों का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो आप सब लिखें, अगर कॉमन टाइप की प्रॉब्लम होंगी तो उनका एक जवाब सर देंगे। तब तक सर आप जरूर आप पानी पी लीजिए, मुझे बहुत ये लग रहा है कि आप अगर वर्चुअल मोड में नहीं होते तो मैं जरूर आप तो कुछ चाय कॉफी ऑफर करती, पर अभी खुद से आप ले लें, छोटा सा ब्रेक आपको मैं देती हूँ, तब तक मैं अपने पार्टिसिपेंट से कुछ और आगे जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे और इनको जो सबमिट करना पड़ेगा उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो सर आप भी सुन सकते हैं, पर आप गेट रिलैक्स्ड और जब भी हमारा जरूरत पड़े हम आपसे बात करके तुरंत आपको फिर कॉल बैक करते हैं। जी जी और मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि सर ने जितनी भी चीजें बताई हैं ये सारी बातें आप पहले से शायद जानते भी होंगे, पर जरूर उससे अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स किए हैं और इतने सारे सवाल हमसे करते रहे हैं,
जिससे मुझे ये पता चलता था कि आप अपने प्रोजेक्ट हैंडबुक को गो थ्रू नहीं करते हैं और विदाउट कंसल्टिंग योर सुपरवाइजर आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पहला पॉइंट रिजेक्शन का सर ने अभी बताया था, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, कि जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो इंटरेस्टेड एरिया है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से ही टॉपिक चुने, ना कि साइड का कोई टॉपिक चुन ले। जैसे आप लाइब्रेरी साइंस के लिए अगर आप टॉपिक का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट होना चाहिए आपके उस सब्जेक्ट से भी, ताकि आप उस पे वर्क करते समय आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं हमारे पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद, वो उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए और वो पर्पसफुल भी होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके इस पे ही रिसर्च करना है और आपको जो जॉब मिलेगी वो इसके बेसिस पे ही मिलेगी, आपके स्टडी के आधार पे ही मिलेगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सुपरवाइजर के सिलेक्शन के बाद, या फिर जब हम अलॉट करते हैं आपको, या खुद से आप सिलेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जो टॉपिक चुन रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है और उस पे काम करने के लिए आपको कितना इंटरेस्ट है, या आपके जो सुपरवाइजर हैं वो उसको अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी मायने रखता है। अगर आपने टॉपिक अपने मन से सेलेक्ट कर लिया, उस एरिया में सर का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है या उनको मन ही नहीं लगता है उस क्षेत्र को देखने में, तो फिर आपको वो सही ढंग से गाइड भी नहीं कर पाएंगे और टाइम टू टाइम वो आपसे इरिटेट भी हो सकते हैं। इसलिए आपका और आपके सुपरवाइजर का रेपो होना बहुत जरूरी है, आप इसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। दूसरी बात ये कि टॉपिक सिलेक्शन में दो चार चीजों का बात जो हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो 5 steps होते हैं, जो किसी भी रिसर्चर के लिए या किसी सुपरवाइजर के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, कि आप अपने डोमेन को चुनते हैं, फिर सब डोमेन को चुनते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, कोई भी सब्जेक्ट हो, या साइंस का हो, आर्ट्स का हो, लाइब्रेरी साइंस हो, तो जब आप अपना डोमेन देखते हैं, जो आप डिसिप्लिन में जाते हैं, तो बहुत सारे डोमेन होते हैं उसके, आप अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखने के बाद आपको ये लगता है, सपोज आप, मैं अगर एक हिस्ट्री का एग्जांपल देती हूँ, आप देखेंगे कि आप कुछ मेडिवल पढ़ते हैं, कोई एंशियंट पढ़ता है, कोई मॉडर्न पढ़ता है, अगर ये तीनों अलग अलग हिस्ट्री है, ये आपका डिसिप्लिन हिस्ट्री है, आप इसको कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को बांट देते हैं, उस हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे कि आपका मन सबसे ज्यादा पढ़ने में किसमें लग रहा था, आप एंशियंट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं या फिर आपको मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो अच्छी लगती है, ठीक उसी तरीके से आप लाइब्रेरी साइंस का भी टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी चीजें हैं, लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे उसमें भी आपको पता चलेगा कि बहुत सालों पहले तक, सर को शायद पूरा आइडिया होगा या आप सब पढ़ते होंगे, कि हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है वो लाइब्रेरी में नहीं था, हम सब जाते थे और बिल्कुल मैनुअल काम हम किया करते थे। तो आप उसको इस तरीके से कि आपको अगर रिसर्च करना है कि तब क्या होता था और अब क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके जेहन से आनी चाहिए, ना कि सुपरवाइजर के जेहन से आएंगी। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आप अपने डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन के बाद आप एक डोमेन चुनेंगे, उस डोमेन में भी आप देखेंगे कि सब डोमेन क्या हो सकता है, अगर सब डोमेन क्लियर हो गया उसके बाद आपकी पूरी की पूरी जो रिसर्च प्रपोजल या डिसर्टेशन है वो, उसके ना ऑब्जेक्टिव लिखने में आपको दिक्कत आएगी, ना आपको हाइपोथेसिस लिखने में दिक्कत आएगी। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि सर ने इतना मेहनत किया है, थोड़ा सा इनपुट मैं और डाल दूं, ताकि आप फर्स्ट टाइम सिनॉप्सिस लिखें और हमारा प्रपोजल जब यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जिन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है और आपको पॉइंट ऑफ व्यू लर्नर सेंटर होता है हमारा कोई भी प्रोग्राम, अगर आप वहाँ भेजते हैं तो उनको ये पता चलता है कि शायद हमने आपको ठीक से गाइड नहीं किया या आपको ठीक से काउंसलिंग नहीं मिली है, आपके सुपरवाइजर शायद अनेबल है आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड गाइड करने में। तो ये सारी चीजें बहुत कभी कभी शर्मनाक भी हो जाती हैं कि आप कुछ भी लिख के भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं बार बार भेजता हूँ फिर भी वो रिजेक्ट होके आ रहा है। तो ये इन सब बातों पर आप ध्यान रखेंगे और जब भी आप कभी ऑब्जेक्टिव लिखें तो उसका पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से पॉइंट वाइज सर ने बोला था, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव और टॉपिक अगर आपके बहुत क्लियर होते हैं तो आपकी बाकी गलतियों को, हमने देखा है कि हमारे जो इवेल्युएटर्स होते हैं वो माफ कर देते हैं विद द सजेशन कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी चीजें आपने स्टेप वाइज सीखी हैं, जितना भी इंट्रोडक्शन और लिटरेचर ऑफ रिव्यू जो आपने अभी सीखा है, शायद हमने भी पहली बार सर से इतनी अच्छी जानकारी हासिल की है, हमने किताब पढ़ के ये सारी चीजें सीखी हैं, पर मुझे ये लगता है कि आप जब 1-to-1 बात करते हैं और दूसरों के आइडियाज के साथ में आप इंटरेक्ट करने के दौरान ही आप बहुत सारी चीजें अपने आप में ये सीख लेते हैं।
कि हमने ये गलतियां पहले की थी। अब अभी जब रिव्यू लिखने की बात आती है तो हमेशा सबसे पहले रिव्यू पे फोकस करें कि हम किस चीज का रिव्यू कर रहे हैं। अगर लिटरेचर के बारे में है तो हम कौन कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तकों का हमने अध्ययन किया है, उसका रिव्यू लिखना है, ना कि आप टॉपिक का रिव्यू लिखने लगते हैं। तो ये चीजें हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है आप लोगों के सिनॉप्सिस के रिजेक्शन के बाद। अच्छी सिनॉप्सिस मेरे पास नहीं आती है, पर जब रिजेक्ट हो जाती है तो आप लेके आते हैं, पूछते हैं मैडम आगे क्या करूं। तो इससे ये तो अच्छी बातें तो सीखते ही है, हम आपके गलतियों से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट्स आपको दे रही हूँ कि आप इनका ख्याल रखेंगे। और दूसरा कि एक हमारा मेथोडोलॉजी जो सर ने अभी शायद डील नहीं किया है, मेथड्स जो है वो आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे। किसी भी पीजी का कोर्स जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें सबसे पहले रिसर्च का एक पेपर होता है। कोई भी सिनॉप्सिस लिखने के पहले या डिसर्टेशन लिखने के पहले सबसे पहले उन कोर्स कोड को पढ़ना चाहिए जिसमें आपको पूरा रिसर्च के बारे में बताया गया है। क्योंकि दो घंटे हमने तो डिसाइड किया था, एक डेढ़ घंटे में इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे। सर का ये मैं क्या कहूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय दिया है हमारे बच्चों को और हमारे लिए। आप जितनी मेहनत करते हैं मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया कर रही हूँ सर की। और भी आपका समय लेना हमारे लिए बहुत लाजमी है, बहुत कम्फर्टेबली हम लोग आपके साथ डील कर रहे हैं। पर एक मेथड, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनको मेथडोलॉजी जरूर बता देंगे नेक्स्ट सेशन में जब भी आप आएंगे तब, क्योंकि इनका मेथड का सिलेक्शन भी बहुत गलत होता है। इनको पता होता है कि इनको सर्वे करना है, इनको इंटरव्यू लेना है या इनको क्वेश्चनर देना है, इनके टूल्स क्या होंगे, इन पर भी इनका कंफ्यूजन होता है। तो मुझे लगता है कि सर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे और अगली नेक्स्ट सेशन में वेडनेसडे को जब आएंगे तो उनको मेथड्स बताएंगे। तब तक जब तक कि सर कुछ असाइनमेंट हमको हमने और सर ने डिसाइड किए हुए हैं कि आपको देना है, उसमें भी आपको इन मेथड्स के बारे में लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सही मेथड्स लिखेंगे, उसका करेक्शन हम लोग करेंगे। और दो दिनों का जो तीन दिनों का समय आपको दिया गया है सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप एक सैंपल बनाएंगे। ये आपका रिसर्च प्रपोजल, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप सेम रिसर्च प्रपोजल जो है वो आप अपने इसमें स्टडी में इसको इंक्लूड करें और उसको भी उसी को भेजें। बिल्कुल आप सीखने के तरीके से बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। बहुत लोगों से मैंने ये पूछा था अपने गूगल फॉर्म में कि आपने कभी रिसर्च प्रपोजल लिखा है कि नहीं, आपने डिसर्टेशन लिखा है कि नहीं। तो आपने बहुत कई सारे लोगों ने लिखा है यस। तो जिन्होंने यस लिखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको ये दोबारा नॉलेज प्राप्त हो रहा है। पर जिन्होंने नो लिखा है, जो मैक्सिमम लोगों ने लिखा है कि हमने कभी भी रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया और डिसर्टेशन नहीं बनाया है, तो उन सारे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है सिनॉप्सिस लिखने का, तो एक बार जरूर आप पढ़ेंगे अपने रिसर्च मेथड के पेपर को, कोर्स कोड को। उसमें जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगता है आप सर के लेक्चर को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद टॉपिक डिसाइड करेंगे, बनाना करेंगे। और ये तीन दिन का जो टाइम है, आज के आज आप जो भी रिसर्च का टॉपिक आप अपना चुन रहे हैं, बहुत छोटा और बहुत सिंपल, सिर्फ तीन दिनों में हो जाना चाहिए। इस तरीके का आप सिंपल सा एक टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे और उस सिलेक्शन के साथ ही आप जो जितने सारे स्टेप सिनॉप्सिस के सीखे हैं रिसर्च प्रपोजल के, उसको एज इट इज लिखेंगे। इसके अंदर कंटेंट क्या है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सब हम सब देख लेंगे कि आप कहाँ तक हमको समझ पाए हैं। सर ने जो जितनी सारी जानकारी अभी तक दी है वो सब आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, आपके सिनॉप्सिस राइटिंग से ही हमें पता चलेगा। ये हमारा फीडबैक भी है। और दूसरा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं और कितनी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। अभी प्लैगरिज्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई चेक नहीं करेगा, आप आराम से लिखिए। मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपको सिनॉप्सिस लिखने का तरीका आया या नहीं। जब आप फाइनल सिनॉप्सिस लिखेंगे तभी मुझे ये लगेगा कि आप जो लिख रहे हैं वो सारे जो स्टेप्स थे और जितनी आपको जानकारियां प्लैगरिज्म के लिए एथिक्स रिसर्च एथिक्स दिए हैं, इंटरप्रिटरी दी हैं, उन सब बातों को ख्याल में रखते हुए करेंगे। आप अभी कहीं से कंटेंट लेकर भी लिखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एक टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे। और यही आज आपका असाइनमेंट भी होगा कि आप एक सिनॉप्सिस बतौर सैंपल लिखेंगे और तीन दिन के पहले आपका जो एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है उस ग्रुप में मैं एक लिंक भी दूंगी। उस लिंक में आपको, आप टाइम टू टाइम हमसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं या सर से भी आप कंसल्ट करने के लिए अगर कुछ लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट सर से पूछ के भी आपको बता सकूंगी। तो आप उस ग्रुप में हमसे शेयर करेंगे। लेकिन एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में अपनी बातें बहुत लिखते हैं,
आपने ये लिखा कि नहीं, असाइनमेंट के क्वेश्चन डाउनलोड किए कि नहीं, आप सिर्फ सिनॉप्सिस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपस में डिस्कस करेंगे ताकि वो सारी बातें मैं पढ़ सकूं, क्योंकि बहुत ज्यादा देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ काम की बातें लिखें, जो मुझसे पूछनी है वही बातें लिखें, और इस तरीके से अगर आप सिनॉप्सिस बना पाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझसे ज्यादा शायद सर को होगी कि सर ने इतना टाइम दिया है हम सबको। तो अभी आपने अगर चैट बॉक्स में लिखे होंगे सवाल तो सर उनको लेंगे, सर को इनफ टाइम मिल गया होगा इनके सवालों को देखने के लिए। अगर कुछ डाउट है तो, अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि हम लोग परफेक्टली जो सक्सेसफुली इसको कंडक्ट कर लिया है इस सेशन को। अगर वर्बली कुछ पूछना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बच्चा एक बार में बोलेगा या पूछेगा सर से, और वो भी अगर कुछ ऐसा कंक्रीट आपको सवाल आपके दिमाग में है तो ही पूछे, छोटी छोटी बातों को ना पूछे। दीपक कुमार अपना हैंड रेज किया है तो सिर्फ दीपक बोलेंगे, बाकी लोग सुनेंगे। दीपक। यस मैम। हाँ बोलिए मैम। जो फाइनल सिनॉप्सिस होगा वो क्या हम टाइप करके भी भेज सकते हैं? और जो हम टाइप करके भेजना है सिनॉप्सिस को। और मैम एक जो हम लोग के पास ये MLIP का जो बुक मिला है उसमें 24 थ्रस्ट एरियाज दिए हुए हैं, 24। हाँ हाँ ठीक है। तो ये इन्हीं में से किसी को एक को सेलेक्ट करना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। इस एरिया को कवर करते हुए भी आप ले सकते हैं, इनमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल फिक्स नहीं है किसी टॉपिक पे करेंगे। उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल अलग मत जाइए। पर ये बहुत ज्यादा होते हैं, 33 सर ने बताए हैं, आपने स्लाइड्स में भी देखे होंगे। 33 में आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, आप सबको देखिए और सारे के लिटरेचर्स देखिए, आपके पास कितना अवेलेबल पेपर्स है, कितने आपने देखे हैं बुक्स देखे हैं, उस तरीके से ही डिसाइड कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे जाना है। ये सबके लिए है, जिन्होंने सवाल नहीं भी पूछा है उनके लिए है कि आप उन्ही एरियाज में रहें। अच्छा मैडम, एक चैट बॉक्स में एक सवाल है, फॉन्ट साइज और स्टाइल फॉर सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट राइटिंग। यस सर। फॉन्ट साइज का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, शायद आपको मालूम हो कुछ। इनके प्रोजेक्ट हैंडबुक में लिखा हुआ है फॉन्ट साइज, प्रोजेक्ट हैंडबुक में वो क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशनड है कि कितने साइज का होना चाहिए, डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, आप लोग खुद देख लेंगे उसको हैंडबुक को। एक और सवाल है चैट बॉक्स में, इन्होंने कुछ डायग्राम कुछ लिखा है, मतलब ग्राफ से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। तो आपका जो डेटा होता है ना उसमें आप एक्सेल में अगर जाएंगे तो आप पाई चार्ट या डायग्राम बना सकते हैं उसके उस हिसाब से जो आपका डेटा है, तो वो आपका ज्यादा प्रेजेंटेबल होगा। मे बी नेक्स्ट टाइम हम आपको बता भी देंगे आपका एक बार। और किसी ने ये लिखा है सर प्लीज सजेस्ट ए सुटेबल टॉपिक विथ एग्जाम्पल। सर ने इतने सारे टॉपिक डील किए हैं, सुटेबल टॉपिक आपको ढूंढना है, आपके लिए कौन सा सुटेबल है, कोई दूसरा कभी भी ये नहीं कर सकता है। आप जब लाइफ पार्टनर ढूंढने जाते हैं तो आपके लिए सुटेबल कौन सा है वो सिर्फ आप जानते हैं, आपके गार्जियन भी नहीं जानते, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरीके से आप टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे जो आपको सूट करता है, जिसके लिए आपके पास में मटेरियल्स हैं वो